ड्यू टू हेजिंग, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सर अब ये टॉपिक है क्या उसको सर? टॉपिक वॉपिक कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ आप टॉपिक वॉपिक की तरह पढ़ोगे ना तो चीज़ें लगेंगी टफ। बड़ी सिंपल सी बात है सर, मैं आप ही से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताइए, मुझे नवंबर मंथ में 10 ग्राम गोल्ड परचेज करना है, मेरी साली साहिबा की मैरिज है, ठीक है। अब मुझे उन्हें गोल्ड गिफ्ट करना है 10 ग्राम नवंबर में, ठीक है जी। अब नवंबर में उन्हें गोल्ड गिफ्ट करना है और फिलहाल जो आज गोल्ड का रेट चल रहा है दैट इज मान लेते हैं 50,000, ठीक है साहब। अब मैं बैंक के पास गया, मुझे लगता है ये नवंबर तक ना ये गोल्ड हो जाएगा, नवंबर तक ये गोल्ड हो जाएगा 52,000 का, मुझे ऐसा लगता है। मुझे रात को भगवान भोलेनाथ सपने में आए थे, उन्होंने बताया बेटा 10 ग्राम गोल्ड 52,000 रुपये का हो जाएगा नवंबर में। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि नवंबर में ये गोल्ड, मतलब मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन कि साहब मेरा गोल्ड 10 ग्राम 52,000 रुपीज़ का हो जाएगा, राइट। अब मैं बैंक के पास गया, मैं गया पंजाब नेशनल बैंक, मैंने कहा बैंक जी ये बताओ अगर मैं आपसे नवंबर में 10 ग्राम गोल्ड लूँ तो मुझे कितने का बेचोगे। बैंक ने कहा बच्चा हम आपको जो गोल्ड बेचेंगे वो बेचेंगे 10 ग्राम गोल्ड नवंबर में 51,500 का, अगर आप चाहो तो आज ही ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट फॉर गोल्ड। अब मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है यार, अगर मैं ये हेजिंग कर लेता हूँ, हेजिंग मतलब गोल्ड का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो बताओ मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, बताइए। सबका आंसर आना चाहिए यार, देखो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे सुबह सुबह आज, सबका आंसर आना चाहिए भाई। 10 ग्राम गोल्ड मुझे अपनी साली साहिबा को देना है, साहब मुझे बताओ अगर मैं एक्सपेक्टेड रेट पर नवंबर में परचेज करूं तो मुझे 52 का पड़ने वाला है, ये मेरा अंदाजा है आज, ठीक है ना। लेकिन 10 ग्राम गोल्ड बैंक देने को तैयार है 51,500 रुपये का, ठीक है, और आज चल रहा है ये 50,000 का। तो मुझे बताइए मैं हेजिंग करूं या नो हेजिंग, तो दो चीजें हो गई, ठीक है। स्पॉट रेट क्या है गोल्ड का 50,000, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं हेजिंग करता हूं तो क्या होगा, एप्लीकेबल रेट 51,500, नहीं करता तो मुझे बताइए अगर मैं हेजिंग करता हूं तो मेरा कितने का नुकसान है, केवल 1,500 का, नहीं करता तो कितने का नुकसान है, 2,000 रुपये का। सर सर हमें एक बात समझ में नहीं आई, हम आप हमसे ये क्यों निकलवा रहे हो, सीधा सीधा इसी को कंपेयर कर डालो ना सर। कई बार ना क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है कि बताओ आप एक्सपेक्टेड लॉस बताओ, अगर हम हेजिंग करते हैं तो, नहीं करते हैं तो। अगर क्वेश्चन में वो लॉस पूछा हुआ है, और वो नॉर्मली पूछता ही है, तो लॉस पूछा हुआ है तो आपको इस सेंस से प्रेजेंटेशन करना होगा, इस सेंस से। आपको स्पॉट रेट और एक्सपेक्टेड रेट या फॉरवर्ड रेट से कंपेरिजन करना होगा केवल, ठीक है ना। टॉपिक सर केवल इतना सा है। अब अगर इस टॉपिक के अंदर मुझे मिर्च मसाला लगाना हो तो साहब मैं क्या कर सकता हूं, टॉपिक इतना सा है बस, ये मात दिमाग में रखना, टॉपिक इससे बाहर नहीं है, और ये एक जनरल सा टॉपिक है, इसका आंसर आप खुद दे पाएंगे। मतलब अगर मैं ना भी करवाता तो भी शायद एक समझदार व्यक्ति इसका आंसर दे पाता, भैया बैंक में मुझे 51,500 का पड़ रहा है और वैसे मुझे पड़ रहा है 52 का, बेटर कि बैंक से परचेज कर लूं, मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लूं तो मुझे फायदा होगा, मतलब आज के कंपैरिजन में मुझे लॉस कम होगा,
लेकिन अगर सपोज करो मुझे गोल्ड बेचना होता नवंबर में, इसी केस में उल्टा केस ले लो, मुझे गोल्ड बेचना होता, अब बताइए साहब मैं क्या करता? मैं एक्सपेक्टेड रेट के बेस पे चलता या फॉरवर्ड रेट के बेस पे चलता? अगर मुझे गोल्ड बेचना होता बताइए, क्या मैं हेजिंग करता कि मैं गोल्ड बैंक को 51,500 का बेच दूं? क्या मैं ऐसा करता? ऐसा बिल्कुल नहीं करता। कौन बच्चा कहना चाहता है कि मैं ऐसा करता? तब कौन चाहेगा कि मैं 52,000 की जगह 51,500 का गोल्ड बेच डालूं? कौन चाहेगा ऐसा? कोई भी नहीं चाहेगा। टॉपिक खत्म। टॉपिक केवल इतना सा है। अब सर बात आती है, इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ तो हथकंडे अपनाएगा ना सर। देखो अब आप फाइनल के बच्चे हो, आपको केवल इतना सा टॉपिक दे दिया जाए तो आपका अपमान होगा, हाँ या ना? आपका अपमान होगा या नहीं? आप अपना थर्ड फील करेंगे, अरे सर इतना सा सीए फाइनल का पेपर है क्या? बाहर होके आगे आधे बच्चे तो यही बोलेंगे, ये सीए फाइनल का पेपर था कोई? अब इसमें इंस्टीट्यूट मिर्च मसाला लगाने के लिए, अगर अच्छा सहलोगे थोड़ा सा अपमान, हाँ कुछ बच्चों का कहना है अपमान सहलेंगे सर बेटे, लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं चाहता कि आपका अपमान हो। इंस्टीट्यूट पता क्या करता है, इसके अंदर थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा देता है। मिर्च मसाला क्या लगाएगा? क्रॉस रेट का तड़का, एक्सचेंज मार्जिन का मसाला, बात में ही समझ रहे हैं आप लोग, स्वैप पॉइंट का मसाला। अगर मैं ये सब डाल दूं इसके अंदर, स्वैप पॉइंट, क्रॉस रेट और एक्सचेंज मार्जिन, कितना आनंद महसूस होगा आपको, होगा या नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल। आज मैं आपको पूरे आनंद की अनुभूति करवाने वाला हूं। टॉपिक माइंड में रखना केवल इतना सा ही है, टॉपिक में कुछ भी नहीं है, केवल आनंद आपको कहाँ आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, मैंने कहा आप परेशान होंगे तो केवल बेसिक में होंगे, टॉपिक में तो कुछ है ही नहीं फॉरेक्स के। मैं आप पूरे फॉरेक्स में देखेंगे कि टॉपिक में कुछ था ही नहीं कभी। आप परेशान कहाँ थे कि लेफ्ट में क्या रखें, राइट, अरे छोड़ो लेफ्ट राइट को, मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, बैंक लेफ्ट करेंसी बेच रहा है या लेफ्ट खरीद रहा है, बात खत्म। क्रॉस रेट मैंने आपको बताया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन अच्छे से बताया हुआ है, स्वैप पॉइंट बताया हुआ है, उस सारे कॉन्सेप्ट का भरपूर इस्तेमाल करें। और कुछ भी नहीं है फॉरेक्स के अंदर, बेसिक बेसिक है केवल, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट केवल इतना सा है, हेजिंग करें या ना करें। आइए क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब देखो ये कैसी कैसी बातें करता है, ठीक है ना? एक्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज एन एक्सपोर्ट एक्सपोजर ऑफ 10 मिलियन, यानी इसने एक्सपोर्ट किया है, यानी कि इसने एक्सपोर्ट किया है कितने का? 10 मिलियन, यानी 100 लाख येन का एक्सपोर्ट किया है, ठीक है? सितंबर में पैसा आना है, यानी 100 लाख येन आने हैं सितंबर में। अब येन और हमारी जो कंपनी है वो कौन है? इंडियन। हमारी दुनिया में क्या चलता है? रुपया। साहब इस एक्सपोर्टर को येन को रुपए में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है सर? ठीक है साहब, हाँ साहब बिल्कुल ठीक है। अब काश येन और रुपए का रोट सीधे सीधे दे देता, क्यों परेशान कर रहे हो यार? येन और रुपए में रिलेशनशिप सीधे सीधे दे देता, बात खत्म हो जाती। लेकिन साहब नहीं, इंस्टीट्यूट कहता है हम कुछ करवा के मानेंगे। क्या करवा के मानेंगे? कहता है हम आपको रेट दे रहे हैं यूएस डॉलर और जैपनीज येन के बीच का। अच्छा मुझे बताओ, मैंने गोल्ड के कितने रेट दिए थे आपको, ये बताओ? मैंने गोल्ड के कितने रेट दिए थे आपको? मैंने दिया था स्पॉट, ठीक है? दूसरा दिया था मैंने फॉरवर्ड, और तीसरा मैंने दिया था आपको एक्सपेक्टेड। दोस्त अगर आपको ये तीन क्रॉस रेट निकालने पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा? क्वेश्चन क्रॉस रेट का है या हेजिंग करें या ना करें उसका है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप कुछ नहीं देखो ना, करंट स्पॉट रेट यूएसडी और आईएनआर में ये है, जैपनीज येन और यूएसडी में ये है, मुझे चाहिए क्या? पहले तो मुझे स्पॉट रेट चाहिए
येन येन और रुपीस के बीच में, येन और रुपीस के बीच में क्या चाहिए? स्पॉट रेट। उसके बाद फिर उसने शैतानी की, कहता है एस्टिमेट रेट भी क्या दे रहा है वो, येन का 144 और रुपीस का डॉलर के अगेंस्ट 43, एस्टिमेट रेट में भी क्रॉस रेट। उसके बाद वो कहता है फॉरवर्ड रेट, उसके बाद साहब फिर क्रॉस रेट। चलो तो ये तो बड़ा अच्छा इंसान है सर, केवल क्रॉस रेट में काम चला लिया। मैं होता तो स्वैप पॉइंट और डाल देता इसके अंदर, और एक्सचेंज मार्जिन और डाल देता, क्या आनंद महसूस होता सर आपको। तो टॉपिक किसका बसता मुझे तो ये बताओ ना, हेजिंग का बसता या क्रॉस रेट और उसका बसता? ये टॉपिक मेरे हिसाब से क्रॉस रेट का ज्यादा है, और ये हेजिंग वेजिंग टाइप का कम है, ठीक है ना? ठीक है सर, तो सबसे पहले तो हम स्पॉट रेट निकालते हैं, उसके बाद आप हमें निकलवाना क्या सिखाओगे? मैं उसके बाद निकलवाना सिखाऊंगा आपको एक्सपेक्टेड रेट, वो भी क्रॉस रेट के थ्रू निकलेगा। उसके बाद सब हम तीसरा रेट निकालेंगे क्रॉस रेट के माध्यम से, फॉरवर्ड रेट। उसके बाद दिमाग लगाना शुरू करेंगे सर, अभी तो दिमाग ही लगाना कि येन और रुपीस का रेट ही नहीं है, क्या दिमाग लगाओगे साहब? अभी तो येन और रुपीस का आपके पास रेट ही अवेलेबल नहीं है, आप दिमाग क्या लगाओगे? ठीक है सर, तो फटाफट से पहले हमें क्रॉस रेट निकालना सिखाओ। ठीक है जी, आइए अब क्रॉस रेट निकालते हुए फिर बच्चों का दिमाग घूमता है, सर येन को लेफ्ट में रखें रुपीस को लेफ्ट में रखें? अरे यार किसी को भी रख लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? रुपीस को रखोगे तो क्या सोचोगे? बैंक रुपए खरीद रहा है या रुपए बेच रहा है? येन को रखोगे तो क्या सोचोगे? बैंक येन बेच रहा है या येन खरीद रहा है? क्या फर्क पड़ने वाला है लेफ्ट में क्या रखना है? ठीक है, लेकिन एक जर्नल सा ट्रेंड है कि लेफ्ट में फॉरेन करेंसी को रखता है इंस्टीट्यूट, ठीक है ना? तो मैं उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूं, केवल जर्नल ट्रेंड है सर, मैं ऐसा नहीं बता रहा कोई रूल है। आपका आंसर फिर भी वही आएगा अगर आप रुपए को लेफ्ट में रखते हो तो, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना? सर तो आप येन को ही रखो। अब सर क्या किया जाए? सर येन ना बहुत हल्की करेंसी है, जनरली क्या होता है 2 येन में निकाला जाता है, मतलब 100 येन में कितने रुपीज ऐसा निकाला जाता है। येन बहुत हल्की करेंसी होती है, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको 1 येन निकलवा दूं और बाद में 100 ले लूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। सर तो आप चाहे का मतलब ये निकालना है, ये 100 येन में कितने रुपीज, ये केवल येन के साथ ही है और किसी के साथ नहीं है, बहुत हल्की करेंसी है, तो इसलिए 100 येन में कितने रुपए या कितनी करेंसी होती है वो जनरली लिया जाता है, ठीक है ना? रुपीस कितने रुपए? तो साहब एक बात तो पक्की है कि मैथमेटिक्स टर्म में बात करूं तो मुझे रुपीस अपॉन येन निकालने हैं क्रॉस रेट में, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। दूसरा, अब हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है साहब ये वाला रेट, ये वाला यूएसडी वाला, हमें दिया हुआ है 1 यूएसडी में कितने रुपए, कितने रुपए हैं साहब? ₹41.79, ठीक है। और दूसरा, इसका मतलब हमें मैथमेटिक्स टर्म में दिया हुआ है रुपीज अपॉन यूएसडी। और तीसरा रेट क्या दिया हुआ है हमें? तीसरा दिया हुआ है 1 यूएसडी में कितने येन साहब? 129.75, यानी मैथमेटिक्स टर्म में येन अपॉन यूएसडी हमें दिया हुआ है, ठीक है साहब? अब ये हमें दिया हुआ है, और निकालना क्या है हमें? येन में कितने रुपए? तो मुझे बताओ मैथमेटिकली क्या इक्वेशन बनेगी? सर मैथमेटिकली हम अगर इक्वेशन बनाए तो हमें चाहिए रुपीस अपॉन येन, तो पक्की बात है रुपीस तो साहब ऊपर आएंगे, पक्की बात है ना? हाँ सर पक्की बात है, रुपीस ऊपर आएंगे अपॉन में। अब रुपीस का रिलेशनशिप किससे है? यूएसडी से, इनटू
इनटू यूएसडी से यूएसडी कटेगा ही कटेगा, क्योंकि नीचे यूएसडी तो है नहीं, नीचे तो येन है, और यूएसडी का नेक्स्ट रिलेशनशिप किससे है, येन से। खत्म सर बात, रिलेशनशिप बन गया। रुपीज अपॉन यूएसडी कितना है साहब, 41.79। ठीक है, इज इट क्लियर, 41.79 इंटू यूएसडी अपॉन येन, यहां पे क्या है, येन अपॉन यूएसडी, तो 1/129.75। ठीक है, तो ये क्या आया, एक येन में बताइए कितने रुपए हो गए, एक बार बताइए एक येन में कितने रुपए हो गए, 0.322। और अगर मैं 100 येन में निकालूं तो कितने रुपए हो गए सर, 32.2। तो नॉर्मली हम 100 येन में लेते हैं तो 30 रुपीज हो गए 32.2। ठीक है जी, इज दैट क्लियर, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। तो हमारा स्पॉट रेट, इतनी मेहनत करने के बाद साहब स्पॉट रेट आया, केवल केवल स्पॉट रेट आया, अभी अभी दो और निकालने हैं, एक्सपेक्टेड भी और फॉरवर्ड भी, लेकिन अब ना ट्रेंड बन जाएगा, अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ये, अब आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्सपेक्टेड रेट ये आप लिखो फिर ये 100 येन और ये, सीधा लिखो एक्सपेक्टेड रेट। भाई सीधी सी बात है, आपका ट्रेंड बन गया ना, अब तो अब क्या ट्रेंड बन गया आपका कि ये वाला रेट 1/ में लेना है और ये वाला रेट इंटू में लेना है। इसका मतलब एक्सपेक्टेड में जब दो रेट मुझे मिल गए, एक्सपेक्टेड में कौन कौन से रेट हैं मुझे ये बताइए, हमारे एक्सपेक्टेड में कौन कौन से रेट हैं, 144 और 43। इसका मतलब पक्की बात है सर, पक्की बात है, एक येन में 43 × 1/144 होंगे। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं केवल आपसे, अब एक बार ट्रेंड बन गया ना, उसके बाद उसी को इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक ईयर में कितने हो गए सर, 0.2986, और 100 ईयर में कितने हो गए साहब, 29.26। ठीक है, तो 100 ईयर में एक्सपेक्टेड रेट है 29.86। इसी तरीके से फॉरवर्ड रेट, फटाफट से बताइए फॉरवर्ड रेट की एक्सपेक्टेशन क्या है, 137.35 और 42.89, राइट। आप समझ रहे हैं मैं जल्दबाजी में क्यों कर रहा हूं ये चीज, क्योंकि ऑलरेडी मेरी इक्वेशन यहां पर बन चुकी है। जल्दी से बताइए कितना आ रहा है ये, 1, 2, 3 या 31.23। तो 100 येन में कितने हो गए साहब, 31.23 रुपीज। ठीक है जी, तो मुझे हालांकि इससे तो कोई लेना देना था नहीं, ये तो मैंने इक्वेशन बनाने के लिए किया था। तो मैं, अगर आपने कॉपी कर लिया, आप सबने कॉपी कर लिया, अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो, कॉपी कर रहे हैं तो आपने शायद कर लिया होगा साथ साथ। ठीक है, तो इससे तो हालांकि मुझे कोई मतलब था नहीं, ये तो केवल एक इक्वेशन सेट करने के लिए, मैथमेटिक्स टर्म में लिखने के लिए थी चीजें। अब कुल मिलाकर अगर वो मुझे ये तीनों रेट सीधे सीधे दे देता तो उसका क्या जाता यार, क्या समस्या थी इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं वो पूछ क्या रहा है आपसे, पहले तो पूछ क्या रहा है वो देखते हैं एक बार। टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस, बस ये आफत आ गई ना, एक्सपेक्टेड लॉस इफ हैजिंग इज नॉट डन, कहते हैं अगर हैजिंग ना की जाए तो एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा, और हाउ द पोजिशन विल चेंज विद कंपनी टेकिंग फॉरवर्ड कवर, कहते हैं फॉरवर्ड कवर ले ले तो क्या होगा। ठीक है, अब क्या है सर इसके अंदर, अब तो कुछ भी नहीं है सर, अब तो सिंपल सी कहानी है, अब तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। मैं इसको पहले यहां से हटा दूं, मैं यहीं पर दिमाग लगाता हूं कि करना क्या है। ये तो सर सारे बेकार में कैलकुलेशन करवा ली उसने सुबह सुबह, ठीक है ना। अच्छा
अच्छा भला क्वेश्चन था सर, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया वो। अच्छे भले 3 रेट मिल जाते, बात खत्म हो जाती। जी अब साहब क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस। इसका मतलब अगर मैं हेजिंग करूं या नो हेजिंग, दो केस हो गए, हेजिंग करूं या ना करूं, अगर स्पॉट पे कन्वर्ट करता तो क्या होता मुझे बताइए। अगर मैं 100 मिलियन येन को स्पॉट रेट पे कवर करता तो क्या होता, 100 मिलियन येन को, 100 मिलियन येन को अगर 100 येन में कितने रुपए हैं तो बताओ, आज 100 मिलियन येन में कितने रुपए होंगे। और मैंने आपको बताया कि अगर लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना होता है, हमेशा क्या होता है, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करते हैं, हमें इस क्वेश्चन में येन को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, राइट मल्टीप्लाई होगा दोस्त, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मुझे बताइए अगर मैं स्पॉट पे कन्वर्ट करता तो दोस्त क्या होता, 100 लाख येन को अगर मैं स्पॉट पे कन्वर्ट करता तो इंटू 32.2 करता, लेकिन 100 येन का रेट है तो डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा, तो मुझे बताइए कितने मिलियन आते, 32.2 मिलियन रुपीस, यानी कि कितना आता साहब, जल्दी से बताएं, 32,20,000, राइट 32,20,000 अगर मैं स्पॉट पे कन्वर्ट करता तो 32,20,000 आते, इज दैट क्लियर, राइट। ये 32.2 ही है ना, 20 है या 21 था, एक बार रेट चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, राइट। अब बात आती है अगर मैं हेजिंग करता हूं या नहीं करता तो मुझे बताइए मेरा एक्सपोर्ट रियलाइजेशन क्या होगा। अगर मैं हेजिंग करता हूं तो एक्सपेक्टेड रेट क्या है, एक्सपेक्टेड रेट क्या है, 29.86। तो अगर मैं 100 मिलियन को इस रेट पे कन्वर्ट करता तो मेरे पास कितने आते, मेरे पास आते 29.86, ठीक है, एक्सपेक्टेड पे कन्वर्ट करता तो 29.86 आते, ठीक है, हम मतलब जो भी है जीरो अपने आप लगा लेना। हेजिंग करूंगा तो क्या आएंगे, थर्टी वन ट्वेंटी थ्री, बताइए लॉस कितना होगा। हेजिंग करता हूं तो कितना लॉस होगा, नहीं करता तो कितना लॉस होगा, जल्दी से मुझे बताइए, टू 35 का लॉस अगर मैं हेजिंग नहीं करता और अगर हेजिंग करता हूं तो, जल्दी से बता दो यार, नाइन्टी सेवन, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि यहां पर एक रेट में कुछ गड़बड़ हुई है शायद हमसे, 32.21 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो सेल प्रोसीड है वो ये दिखाया हुआ है, इज इट क्लियर। अच्छा अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस टॉपिक का क्वेश्चन था ये, मुझे ये बताइए यार, क्रॉस रेट इसमें आ गया, कन्वर्ट हमने इसमें किया, तो ये तो दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, किसी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्रॉस रेट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है,
अभी टॉपिक क्या था सर? ये टॉपिक ना सिर्फ छोटा सा है। देखो, अगर मैं आपको आपसे वैसे भी बात करूं, अगर मैं आपसे डायरेक्ट आंसर भी पूछूं इस टॉपिक का, डायरेक्ट आंसर, तो क्या होगा? अगर मैं आपसे डायरेक्ट आंसर पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ कि मुझे फ्यूचर में जो मुझे उम्मीद हो रही है, मुझे उम्मीद उम्मीद क्या है कि मुझे 100 येन के बदले इतने रुपए मिलेंगे, ये मेरी उम्मीद है। लेकिन बैंक कहता है मैं आपको 100 येन के बदले इतने रुपए दे दूंगा, आप क्या यहां से सीधा सीधा आंसर नहीं कर सकते कि आपको 100 येन के बदले 29.86 लेने में मजा आ रहा है, या आपको 100 येन के बदले, ध्यान रखना, येन के बदले आपको रुपए मिलने हैं, आपको येन बेचने हैं बैंक को, बींग ए कस्टमर, येन बेचने हैं, येन के बदले 29 रुपए मिले, 29 रुपीज मिले, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, या 31 रुपीज मिले वो ज्यादा अच्छा लग रहा है? पर आपको येन बेचने हैं, ध्यान रखना, अगर यही येन खरीदने होते तो शायद आपको कुछ और अच्छा लगता। क्या आप अपना आंसर यहां पर नहीं कर पाएंगे? आंसर तो यहां पर भी हो जाएगा, बस केवल दिखाना है ये स्पॉट, ये है एक्सपेक्ट, जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है हमारा, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, अगर हम हेजिंग करते हैं तो ये होगा, नहीं करते तो ये होगा लॉस, बस खत्म। इतनी सी बात दिखानी है केवल, क्योंकि उसने लॉस पूछा है। अगर वो सिंपली ये क्वेश्चन पूछता कि साहब ये बताओ हेजिंग करें या ना करें, उसका आंसर तो आप रेट देखकर भी कर सकते थे कि आपको 100 येन लेने में इतना मजा आ रहा है, लेकिन आप रेट देख के करना मत, क्योंकि कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को कि हमारे पास एक्सपोर्ट प्रोसीड इतना आएगा अगर हम हेजिंग करते हैं, और नहीं करते तो इतना आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? आइए इसका पार्ट टू करते हैं, क्वेश्चन का पॉइंट नंबर टू कहता है अगर स्पॉट रेट 30 सितंबर को ये हो गया तो क्या फॉरवर्ड कवर लेना जस्टिफाई था? यार ये ऐसे क्वेश्चन पूछ डालता है ना, मैं क्या बताऊं आपको, दिमाग घूम जाए पर्सन का, जबकि क्वेश्चन पता है वास्तव में क्या पूछ रहा है? कुछ भी नहीं पूछ रहा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है ये भाई। 10 ग्राम गोल्ड आज था 50,000 का, 10 ग्राम गोल्ड 52,000 का, और 10 ग्राम गोल्ड ये एक्सपेक्टेड था, और 51,500 का ये मुझे फॉरवर्ड में मिल रहा था। अब मुझे गोल्ड परचेज करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मुझे तो 52 की उम्मीद है, तो मैंने क्या किया, गोल्ड परचेज कर लिया, और यानी कि मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, आप सबने मुझे कहा था कर लो, मैंने कर लिया। और सर जब मेरी साली साहिबा की मैरिज का नंबर आया, डेट आई, तो साहब क्या हुआ, हुआ ये कि गोल्ड का रेट हो गया 49,000। बताओ बेटे बताओ, मैं दुखी होऊंगा या खुश होऊंगा? मैंने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 51,500 में परचेज करूंगा, क्योंकि मेरी साली साहिबा की शादी है, उनको मुझे गोल्ड देना था। मैंने बैंक से 51,500 में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा लाओ भैया 51,500 ले लो, मुझे गोल्ड दे दो। और पता चला उस टाइम गोल्ड का रेट 49 चल रहा था। हो कुछ नहीं सकता, जो भी चल रहा था नहीं चल रहा था, लेकिन बताओ मेरा मन दुखी होगा कि नहीं होगा? सब बच्चों का कहना है सर आप बड़े दुखी महसूस कर रहे होंगे। और अगर यही गोल्ड का रेट 54 हुआ नवंबर में, तो बताओ मेरा क्या रिएक्शन होगा? मैं कहूंगा हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की मुझ पर, अच्छा किया मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। बस वही तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बस केवल यही तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमाता है जानबूझ के चीजों को। देखो क्या कहता है, कहता है अगर 30 सितंबर को आपको पता चला कि ये वाले रेट हो गए, तो बताओ क्या फॉरवर्ड कवर लेना जस्टिफाइड था? बताओ बेटे बताओ, पहले तो रेट क्रॉस रेट के माध्यम से एक और क्रॉस रेट निकालो। देखो चार चार क्रॉस रेट दे दिए उसने। अरे लॉकडाउन में शादी क्यों नहीं होती? शादी बिल्कुल होती है, और मैं 50 रिश्तेदारों में आऊंगा जब मैं कह रहा हूं मेरी साली की शादी है, और क्या, ऐसे कैसे साली की शादी में ही जाऊंगा मैं? बताओ कैसी कैसी बातें करते हो। हाँ 50 लोगों में तो शामिल होंगे ही ना,
तो मुझे जल्दी से बताओ फटाफट से, अब नया ये क्या रेट हो गया 30 सितंबर को अचानक? क्या रेट हो गया ये 30 सितंबर को अचानक? रेट बता दो यार, क्रॉस रेट से जल्दी से बता दो, 100 येन में कितने हो गए 30 सितंबर को? क्या रेट हो गया? ना ये एक्सपेक्टेड तो एक्चुअल रेट है भाई, 100 येन में कितने रुपए हो गए? ₹31, 31.03। अच्छा 31.03, चलो ठीक है जी। अब मुझे येन बेचने हैं, प्लीज अब थोड़ा सोचना ध्यान से। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये रेट होगा, मैं अपने 100 येन इतने रुपए में बेच सकता हूं। बैंक कहता है आप अपने 100 येन मुझे इतने रुपए में बेच दो, यानी मैंने बैंक से कॉन्टेक्ट कर लिया कि बैंक जी मैं आपको 100 येन दूंगा और आप मुझे 31 रुपए 23 पैसे दे देना। जब समय आया तो 100 येन के बदले एट ए टाइम मार्केट में 31 रुपीज मिल रहे थे, और मैं बैंक के पास शान से गया और मैंने उन्हें 100 येन के बदले 31 रुपए दे दिए, 31.23 ले लिए। मुझे बताओ मैं मनी मन प्रसन्न होऊंगा या उदास होऊंगा, जल्दी से बताओ। सर अगर मार्केट में ओपन मार्केट में जाता तो 100 येन के बदले 31.03 मिलते, लेकिन बैंक से मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था कि मुझे 100 येन के बदले इतने रुपए मिले, 31.23। बताओ मैं येन बेच रहा हूं, मैं खुश होऊंगा या उदास होऊंगा? मैं खुश होऊंगा सर, बस इसका मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना जस्टिफाई था, इतनी सी बात है सर, केवल बात केवल इतनी सी है। जो मैंने गोल्ड वाला एग्जाम्पल लिया सर, उससे लिंक करो ना, कुछ भी नहीं। हम क्यों इसमें घूमते रहते हैं? अब इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख भी लो कहीं ना कहीं, कि अपनी समझ के लिए है जो मैं लिखवा रहा हूं अब, वो अपनी समझ के लिए है। तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 100 येन के बदले, 100 येन के बदले मुझे 29.86 रुपीज मिलेंगे। बैंक कहता है, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बैंक कहता है कि वो मुझे 100 येन के बदले 31.23 रुपीस दे देगा, दे देगा और मुझे येन बेचने हैं। ध्यान रखना, खास बात यह है, और मुझे येन बेचने हैं तो मैंने मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बाद में पता चला कि 30 सितंबर को 100 येन के बदले 31.03 रुपीस मिल रहे थे। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं यहां लिखवा देता हूं ऊपर, खुश हुआ कि मैं ऑलरेडी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं।
मुझे 100 येन के बदले 31.23 रुपीस मिलेंगे। थैंक गॉड, राइट। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, एनी डाउट? ये ना चीजें नोट किया करो, ये आपकी क्वेश्चन के बारे में समझ बढ़ाती है, ठीक है ना? ऐसा लिखना ठीक है या नहीं है? ये हमारे समझने के लिए है, और ये एक्सपेक्टेड लॉस उसकी रिक्वायरमेंट थी, स्पॉट रेट से कंपैरिजन करके उसकी रिक्वायरमेंट थी। ये कुछ बच्चे कह रहे होंगे, सर क्या हम छोटे बच्चे हैं, हमें ऐसे ऐसे लिखवाते हो? हाँ, किसी बच्चे के ऐसे विचार हैं क्या? बच्चा कह रहा हो, सर हम कोई छोटे बच्चे हैं क्या, ऐसे ऐसे लिखवाते हो आप हमें? नोट कर लिया ना आपने? सर मैं तो देखो ऐसे ही लिखवाऊंगा। ठीक है सर, आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। अब देखते हैं सर इंस्टीट्यूट कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है। ए कंपनी ऑपरेटिंग इन ए कंट्री हैविंग द डॉलर एज इट्स यूनिट ऑफ करेंसी हैज टुडे इनवॉइस सेल टू इंडियन कंपनी। हाँ, अभी और मसाले आएंगे कनिका जी, बिल्कुल मसाले, मैं कह रहा हूँ इतने मसाले डालेंगे अभी तो देखना, आप मुंह जल जाएगा आपका। हाँ, ए कंपनी ऑपरेटिंग इन ए कंट्री हैविंग द डॉलर एज इट्स यूनिट ऑफ करेंसी हैज टुडे इनवॉइस सेल टू एन इंडियन कंपनी। कहता है एक कंट्री में डॉलर चलता है और उसने बिल काटा, बिल फाड़ा इंडियन कंपनी के नाम का, ठीक है? द पेमेंट बींग ड्यू 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। कहता है पेमेंट 3 महीने बाद आनी है, ठीक है? इनवॉइस अमाउंट इज $13,750 एंड टूडे स्पॉट रेट इज $0.0275 पर रुपीस। कहता है 1 रुपए में इतने डॉलर हैं, यहां पे रुपीस को लेफ्ट में रख दिया एक तरीके से, एंड इट इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज। कहता है फिलहाल 13,750 में इतने रुपए होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वो चेक कर लेंगे इतने रुपए हो रहे होंगे। ये उम्मीद की जा रही है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन बाय 5%। ओ, अभी ऊपर क्रॉस रेट के माध्यम से दे रहा था, अभी देखा था ऊपर क्या कहता था, क्रॉस रेट के माध्यम से एक्सपेक्टेड रेट दे रहा था। यहां पे एक्सपेक्टेड रेट में कहता है कि डिक्लाइन हो जाएगा रेट 5% से, ये नहीं बोल रहा रुपए डाउन हो जाएंगे या डॉलर डाउन हो जाएंगे, कुछ नहीं बोल रहा ऐसा। आगे बढ़ते रहो, देखिए हथकंडे का भरपूर जवाब देंगे। रिपोर्टर प्रपोज टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर एन एक्सचेंज मार्केट, द 3 मंथ फॉरवर्ड रेट इज दिस, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस। कहते हैं आप एक्सपेक्टेड लॉस निकालो, यानी स्पॉट से कंपेरिजन करना पड़ेगा, एंड शो हाउ इट कैन बी हेज बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो साहब मेरा पहला मुद्दा, मुझे 3 रेट चाहिए। कौन कौन से? पहला स्पॉट रेट, जो कि है, थैंक गॉड यहां पर क्रॉस रेट नहीं दिया उसने, 0.275। दूसरा मुद्दा, दूसरा रेट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड रेट क्या रेट है सर? अब साहब ये कहता है एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो गया 5%।
अब सर क्या डिक्लाइन हो गया, डॉलर डिक्लाइन हो गया या रुपीस डिक्लाइन हो गया सर बताओ, मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट में, बताइए क्या डिक्लाइन हो गया। अगर ऐसी ऐसी बातें करे कि एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होगा 5% से, तो बताइए इसका क्या मतलब निकालूं मैं, क्या डिक्लाइन हुआ सर। मैंने कहा था कि अगर वो ऐसी बात करेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो लेफ्ट हैंड साइड करेंसी के बारे में बात कर रहा होगा, क्योंकि ये जो रेट है ना वो रुपीस का है। मैंने आपको इसके लिए एक एग्जांपल दिया था कि मान लो एक पेन आज 50 रुपए का है, और मैंने आपको कहा कि रेट 5% से कम हो जाएगा, तो किसका रेट कम हो जाएगा, जिस चीज का रेट दिया हुआ उसी चीज का तो रेट कम होगा, इट इज द रेट ऑफ रुपीस। बेसिकली यहां आप अपने समझ के नोट कर सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ रुपीस, तो वही कम होगा, ठीक है ना, ये रुपए का रेट है और वो कहता है रेट कम हो जाएगा, तो वो ये कहना चाहता है कि रुपए का रेट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे बताओ रुपए का रेट कम हो जाएगा 5% से, तो मुझे जल्दी से बताएं कि मेरा एक्सपेक्टेड रेट क्या होगा, जल्दी से बताइए। 0.26, एक और बता दो ना, एक और डिजिट बता दो, 61, राइट, ये मेरा एक्सपेक्टेड रेट हो गया, दिस इज माय एक्सपेक्टेड रेट। थर्ड रेट क्या होता है मेरा, मुझे चाहिए होता है फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट वो क्या है, एक रुपए में कितने डॉलर, 0.0273, ठीक है साहब। अब मुझे करना क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस निकालना है। अब हम एग्जामिनेशन बोर्ड से कैसे लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, लॉस हेजिंग, नो हेजिंग जी, मुझे बताइए मैं इंपोर्टर हूं या एक्सपोर्टर हूं, पहले तो ये बताइए मैं इंपोर्टर हूं या एक्सपोर्टर हूं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो रहा है। अरे भाई आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, देखो क्या लिखा हुआ था, इंपोर्टर परपोज टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, इंपोर्टर लेगा ना एक्शन, तो इंपोर्टर, तो मैं इंपोर्टर हूं भाई, एक्सपोर्टर नहीं हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, चलो मैं वो बात भी कर लेता हूं, जरा ध्यान सुनिए सर, हमारी दुनिया में चलते हैं रुपए, और ये एक फर्म है यूएसए में, इनकी दुनिया में चलते हैं डॉलर। एक बात माइंड में सेट कर लो, इन्होंने इनको बिलिंग की, ठीक है, कितने की, 13,750 डॉलर, राइट। मुझे बताओ फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर का इस्तेमाल कौन सा व्यक्ति करेगा, यूएसए वाला या इंडिया वाला, जल्दी से बताइए, छोड़ दो, अगर मान लो क्वेश्चन में ना लिखा होता कि इंपोर्टर एक्शन लेगा या एक्सपोर्टर लेगा, तो मैं क्या करता, मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक्शन कौन लेगा, इंडिया वाला या यूएसए वाला, चिंताएं किसे हो रही हैं, चिंता इंडिया वाले को हो रही है, चलो आपका यहां पे कहना है कि ये व्यक्ति चिंता में है। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, यूएसए ने बिलिंग की 5 लाख रुपए, चिंता किसको है, अब चिंता किसको है सर, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फॉरेक्स चैप्टर है किसके लिए, जिसकी होम करेंसी में बिलिंग हो रही है
उसके लिए फॉरेक्स चैप्टर नहीं है। अरे एक बात बताओ ना, इसने बिलिंग की 13,750 डॉलर, तो भाई इसको तो डॉलर मिलने वाले हैं, ये तो चिंता से मुक्त है यूएसए वाला, इसको क्या चिंता है, इसको तो डॉलर ही मिलेंगे ना, क्योंकि इसकी बिलिंग किसमें है, 13,750 डॉलर में है ना सर बिलिंग। तो फॉरेक्स चैप्टर का इस्तेमाल यूएसए वाला क्यों करेगा भाई, उसके पास तो डॉलर ही आने हैं, क्योंकि उसने तो बिलिंग ही डॉलर में किया है। चिंता में है ये, क्योंकि इसको डॉलर पे करने हैं, ये यूज करेगा फॉरेक्स चैप्टर का, और यहां पर कौन यूज करेगा सर, यहां बिलिंग है रुपीज में, ठीक है। अब चिंता इसको थोड़ी ना है, इसको तो 5 लाख रुपए देने हैं इसको, बस खत्म, ये चिंता में क्यों होगा, ये फॉरेक्स चैप्टर का इस्तेमाल नहीं करेगा, फॉरेक्स चैप्टर का इस्तेमाल करेगा यहां पे यूएसए वाला, क्योंकि उसके पास रुपए आने हैं। तो जो व्यक्ति अपनी होम करेंसी में बिलिंग करता है, या उसकी होम करेंसी में ही बिलिंग आती है, मतलब बिलिंग का देखना है, बिलिंग बिलिंग अगर फॉरेन करेंसी में है तो फॉरेक्स चैप्टर यूज होगा। कुल मिलाकर अगर आप अपनी समझ के लिए नोट करना चाहते हैं, आप सिंपल नोट कर लीजिए कि बिलिंग अगर अगर किसमें है, फॉरेन करेंसी में, तो फॉरेक्स चैप्टर यूज होगा। फॉरेन करेंसी में बिलिंग है, चाहे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं चाहे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, बिलिंग अगर फॉरेन करेंसी में है तो ही केवल आप ये चैप्टर इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर बिलिंग होम करेंसी में है, चाहे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं चाहे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, तो नो फॉरेक्स चैप्टर, आपके लिए फॉरेक्स चैप्टर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपकी बिलिंग ही अपनी करेंसी में है तो आपको क्या चिंता है भाई। ठीक है साहब, सर ये तो आपस की एडजस्टमेंट है कि कौन किस में बिलिंग करेगा, वो तो आपस की एडजस्टमेंट है जी, राइट। चलिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फिलहाल इंपोर्टर इंपोर्टर जो इंडिया में है वो बात कर रहा है कितना लॉस हुआ, इंपोर्टर की बात कर रहे हैं तो पेमेंट की बात होगी, अगर मैं स्पॉट पेमेंट करूं, स्पॉट स्पॉट पेमेंट, आज मेरी जेब से 5 लाख रुपए जा रहे हैं एट द स्पॉट, ठीक है सर, राइट, इज दैट क्लियर। आज अगर पेमेंट करूं तो स्पॉट पेमेंट कितनी होगी, 5 लाख। अब बात करते हैं हम अगर हेजिंग यूज करूं तो कितनी होगी, और हेजिंग यूज ना करूं तो कितनी पेमेंट होगी, ठीक है। ये दिमाग देखो, मेरी बात सुनो, ये जरूर ध्यान रखना कि आप इंपोर्टर मतलब कि आप पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट आनी है, क्योंकि दोनों में आंसर रिवर्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अभी इस बात को दोबारा समझते हैं, फिलहाल हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, स्पॉट पेमेंट 5 लाख रुपए, ठीक है ना। अब मेरी जो पेमेंट है वो एग्जैक्ट कितनी पेमेंट आएगी दोनों एक्शन की, फ्यूचर पेमेंट मेरी कितनी होगी, अगर मैं हेजिंग यूज करता हूं तो कितनी होगी सर, 13,750 डिवाइड बाय क्या रेट है मेरा हेजिंग का, ये वाला 0.0273, मुझे बताएंगे जरा कितनी पेमेंट होगी, 503663, और अगर हेजिंग नहीं करता तो कितनी पेमेंट होगी दोस्त, फाइव टू सिक्स एट टू जीरो, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरा लॉस कितना, फिलहाल अगर आज पेमेंट है तो इतनी है, लेकिन अगर बाद में पेमेंट करूंगा तो इतनी होगी, अगर हेजिंग करता हूं तो इतना लॉस है, नहीं करता तो इतना लॉस है, बताओ क्या बेटर है, क्या
क्या बेटर है? सर जल्दी से बताइए क्या बेटर है? हेजिंग करना बेटर है, ठीक है। अब लेकिन ये उल्टा केस होता, उल्टा केस होता, डॉलर पेमेंट करने की बजाय डॉलर आने होते तो आंसर बदल जाता ना सर। आज फिर मैं कैसे बोलता, कैसे बोलता? स्पॉट पेमेंट रिसीव्ड 5 लाख रुपए, फ्यूचर पेमेंट रिसीव कितना? अगर हेजिंग करता हूं तो इतने पैसे आते हैं, और अगर नहीं हेजिंग करता तो इतने पैसे आते हैं। तो बताओ हेजिंग करना बेटर है या नहीं? तो आप कहते हैं हेजिंग मत करो, क्योंकि पैसे ज्यादा आना अच्छी बात है, फिर तो ये वाला लॉस प्रॉफिट में बदल जाता ना। तो आपको देखना पड़ेगा ना सर कि आप पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट, तो कम पेमेंट करना ज्यादा बेटर है, कम पेमेंट करना ज्यादा बेटर है, और पैसे आ रहे हैं तो ज्यादा पैसे आना ज्यादा बेटर है। ये आपको देखना पड़ेगा यहां पर कि पैसे क्यों आना है या पैसे का जाना है। क्या मेरी बात समझ गए आप? जल्दी से बताओ। समझ गए तो फटाफट से यस लिख के भेजो, और नहीं समझे तो नो लिख के भेजो। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा सर। अगर कभी ये समझ ना आए कि चैप्टर किसके लिए यूज हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना जिस करेंसी में बिलिंग है वो उस करेंसी, वो कंट्री इस चैप्टर को यूज नहीं करेगी जिस करेंसी में बिलिंग है, ठीक है ना? ठीक है सर, कोई समस्या है सर टॉपिक में? सर टॉपिक बहुत सिंपल सा है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि पेमेंट कर रहे हो या पैसे आ रहे हैं, उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 37। एक ना एक बार यार यहां पे लिख भी लो ये बात ना, लिख भी लो ये बार, लिख लो यहां पर। ज्यादा बेटर है कि हम हेजिंग करें, हेजिंग करें, क्योंकि क्योंकि हेजिंग करने पर 503663 की पेमेंट पेमेंट करनी पड़ रही है। अगर यही पेमेंट आनी होती, यही पेमेंट आनी होती होती तो 5,26,820 रुपये रिसीव होना बेटर होता, बेटर होता। तो हमें देखना पड़ेगा कि पेमेंट आ रही है या जा रही है। पूरी इसकी पूरी सोच को लिख डालो सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको फ्यूचर में, ठीक है ना? आइए साहब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 37। फॉरेक्स चैप्टर कुछ भी नहीं है, केवल एक सोच को लिख डालो, बस सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 37। एक कंपनी ऑपरेटिंग इन जापान, बहुत अच्छी बात है सर, येन चलते हैं जापान में, हैज टुडे इफेक्टेड सेल टू एन इंडियन कंपनी। जापान वालों ने इंडियन कंपनी को सेल की, पेमेंट आनी है 3 महीने बाद,
इनवॉइस अमाउंट है 108 लाख येन, आज के रेट की में ये 30 लाख के बराबर है। ये उम्मीद की जा रही है कि रेट 10% से कम होगा और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्टर ने एक्शन लिया। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है सर, मुझे लगता है ये क्वेश्चन करवाना आपका अपमान होगा, ये आपका होमवर्क, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप ज़रूर कर लीजिएगा। आइए साहब, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। तो देखो ये कैसी कैसी बातें करता है सर। रिश्ता वही, सोच नहीं सर, वही चल रहा है सब कुछ, एक नई सोच के साथ, एक आध पॉइंट नया डाल दिया उसने घुमाने के लिए, ठीक है ना। इसमें एक अपफ्रंट प्रीमियम और आ गया, कोई बात नहीं सर, आ गया तो क्या समस्या है, देख लेंगे उसको भी। ए कंपनी इज कंसिडरिंग हेजिंग इट्स फॉरन एक्सचेंज रिस्क, इट हैज मेड ए परचेज ऑन 1 जनवरी 2008। इसने परचेज किया, यानी कि इंपोर्टर, इंपोर्टर है ये, फॉर विच इट हैज टू मेक ए पेमेंट ऑफ $50,000। पेमेंट जितनी कम जाए उतना अच्छा, $50,000 की पेमेंट करनी है। फिलहाल जो एक्सचेंज रेट है वो है 40 रुपये, यानी कि एक काम तो खत्म, स्पॉट रेट दिया हुआ है $1 में 40 रुपये। इट कैन परचेज फॉरवर्ड एट ₹39। कहता है अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो $1 का रेट होगा ₹39। ये प्रभु कितने दयालु हो आप, आपने ना ना तो इसमें क्रॉस रेट डाला, ना इसमें कोई डिक्लाइन विक्लाइन का चक्कर डाला, आपने सीधे सीधे रेट दे दिए। आह आनंद आ गया सर। कंपनी विल हैव टू मेक एन अपफ्रंट प्रीमियम ऑफ 2% ऑफ फॉरवर्ड अमाउंट परचेज। ओहो, ये है असली हथकंडा। बस इसी हथकंडे पर फोकस करना है, खत्म, और क्या करना है सर। कॉस्ट ऑफ फंड, वो भी ये जो हथकंडा है वो भी इससे भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। कॉस्ट ऑफ फंड इज 10% पर एनम एंड द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इज 50%। बड़ी अजीब बात लिखी हुई है सर, द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इज 50%, इग्नोर टैक्स। इसके आगे लिखो अजीब बात, इसके आगे लिखो अजीब बात, अजीब बात है लेकिन है। कहता है टैक्स का रेट 50% है लेकिन टैक्स को इग्नोर कर दो, क्या बात है, क्या लीला है प्रभु की। साहब टैक्स दिया हुआ है, टैक्स को इग्नोर कर दो। अरे भाई देने की क्या जरूरत थी जब ये लिखना था तो। चलो ठीक है सर, उसका मन कर रहा है कुछ करने का तो हम कुछ करके मानेंगे। कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे फंस जाए, कुछ कहेंगे नहीं नहीं हम तो करके मानेंगे, चाहे उसने इग्नोर लिखा हो, टैक्स का रेट दिया है हम तो कुछ करके ही मानेंगे आज। चलो जी, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस द कंपनी विल मेक इफ इट हेज इट्स फॉरन एक्सचेंज रिस्क। कहता अगर वो फॉरन एक्सचेंज रिस्क को हेज करती है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, ठीक है देख लेंगे सर कितना होगा। कहता है पता चला, यानी यहां पे कोई एक्सपेक्टेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड का कोई चक्कर नहीं है यहां पर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट और एक्सपेक्टेड रेट, यहां पे एक्सपेक्टेड नहीं है। बल्कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जब आज हमने शुरुआत की थी तो किया था ना कि अचानक 30 सितंबर को 42 रेट हो गया, बताओ मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा या नहीं दूंगा। और अगर 39 हो गया तो क्या होगा, मेरी बात को समझे, ये क्या बोल रहा है, इसने क्या बोला, एक तरीके से 10 ग्राम गोल्ड आज तो है 50,000 का, यानी आज का स्पॉट रेट दे दिया। फिर कहता है साहब बैंक कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है कि 10 ग्राम गोल्ड कितने का, 49,000 का, मान लो बैंक कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। और कहता है आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, अब क्या हुआ, पता चला एट ए टाइम गोल्ड
48 का हो गया या 51 का हो गया? कहता है बताओ आपके दिल पे क्या बीतेगी। तो यहां पे एक्सपेक्टेड का मतलब नहीं है, आपको क्या कंपेयर करना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया और रेट ये हो गया तो बताओ कितना प्रॉफिट एंड लॉस। और आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया और रेट ये हो गया तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आपके दिल पे क्या बीतेगी केवल उसकी बातें कर रहा है, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड का चक्कर नहीं है यहां पर। ठीक है ना सर, अब मुझे ये बताइए कि साहब क्या क्या घटनाएं यहां पर घटेंगी। देखिए पहली बात कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमें करना है और 39 रुपीज में करना है। ठीक है, पहले तो मैं ये देख लेता हूं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं 39 में कर लेता हूं, और ध्यान रखना मुझे डॉलर परचेज करने हैं, तो बैंक कहता है भैया हम आपको 39 रुपीज में $1 दे देंगे, $1 39 में दे देंगे। ठीक है, एक बार आप भूल जाइए ये जो चक्कर है अप फ्रंट प्रीमियम और पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, एक बार भूल जाइए। मैं आपसे सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, और आप उसका जवाब दीजिए। साहब मैंने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे 10 ग्राम गोल्ड 39,000 रुपए का दे दीजिए, मैंने बिल्कुल 39 रुपीज को 39,000 ले लिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बैंक से कि बैंक जी मुझे 10 ग्राम गोल्ड 39,000 रुपए का दे देना। बैंक कहता है बिल्कुल ठीक है साहब दे देंगे। और जब मेरी साली साहिबा की मैरिज आई तो पता चला गोल्ड का रेट ओहो 42,000 रुपीज हो गया, और मैं गोल्ड को परचेज कर रहा हूं, तो बताओ बेटे मैं क्या सोचूंगा, कितने रुपए का फायदा हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने से। मैं सीधा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मतलब इतना सा ही क्वेश्चन है केवल, बस क्वेश्चन केवल इतना सा है साहब, बस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 39,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बैंक से साहब कि मैं 10 ग्राम गोल्ड बैंक से परचेज करूंगा 39 का, क्योंकि मुझे साली साहिबा को गिफ्ट करना है 10 ग्राम गोल्ड। और जब साली साहिबा की मैरिज आई, समय आया, तो साहब 10 ग्राम गोल्ड 42,000 रुपए का मार्केट में चल रहा था, तो बताओ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने से मैं कितने प्रॉफिट में रहा, मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा या नहीं करूंगा। हाँ सर आप प्रभु को धन्यवाद करोगे कि आपको गोल्ड 39,000 का मिल गया, क्योंकि मार्केट में ये 42 का हो चुका है। लेकिन अगर सपोज कीजिए यही 10 ग्राम गोल्ड 38 रुपीज यानी कि 38,000 रुपीज का हो गया, तो बताओ क्या होगा सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने से मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर 1,000 रुपये का नुकसान हुआ, बस यही तो है क्वेश्चन, खत्म। सर इन्हीं क्वेश्चन में हम परेशान रहते हैं, हम परेशान क्यों रहते हैं, हम चीजों को ना जनरल तरीके से नहीं सोचते, हम चीजों को जनरल तरीके से नहीं सोचते। ठीक है ना, अब ध्यान रखना, लेकिन मुझे मुझे यहां पर गोल्ड डॉलर परचेज करना है, क्योंकि तो मुझे पेमेंट करनी है डॉलर में, मुझे परचेज करना है, बीइंग ए कस्टमर मुझे परचेज करना है डॉलर। ठीक है ना, अब इसी गोल्ड वाले एग्जाम्पल में अगर मैं रिवर्स कर देता तो आपका आंसर भी रिवर्स हो जाता। अगर मैं कहता कि मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड कहीं से आना है और मैंने बैंक से कॉन्टेक्ट कर लिया कि वो 39,000 रुपए का बिक जाए और रेट हो गया बाई चांस एट ए टाइम 42, तो मैं तो पछताऊंगा ना सर कि बैंक को बेकार में 39,000 का बेच के बैठ गया मैं, तो काश मैं 42 का बेच पाता। ठीक है ना सर, तो डिपेंड करेगा ना आप एक चीज खरीदने की बात कर रहे हो या बेचने की। यार सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसे ही होगा, आप एक चीज को खरीदने की बात कर रहे हैं या बेचने की। ठीक है ना, तो अब इसमें अपफ्रंट प्रीमियम का क्या रोल है सर? अपफ्रंट प्रीमियम तो फालतू में डाल दिया, एक अननेसेसरी कॉस्ट डाल दी। क्या है, लिखना स्टार्ट कीजिए, अपफ्रंट प्रीमियम, अपफ्रंट प्रीमियम।
अप फ्रंट प्रीमियम इज पेड। पेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब पे करते हैं? जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ना कि जब डील होती है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर पे किया जाता है। मतलब अगर मैं बैंक से आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो अपफ्रंट प्रीमियम आज पे करूंगा, ठीक है ना। बैंक कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रीमियम मांगता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अपफ्रंट प्रीमियम इज पेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है उस पर ये पे किया जाता है। राइट, इज इट क्लियर? अब समस्या आ गई, मेरे पास एक कॉस्ट और जुड़ गई अननेसेसरी। क्या जुड़ गई? कि अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे बताइए मुझे अपफ्रंट प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा। अपफ्रंट प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, ये बेकार की बात डाल दी उसने क्वेश्चन में। अच्छा भला क्वेश्चन चल रहा था, लेकिन कोई ना कोई हथकंडा तो अपनाना ही है। अपफ्रंट प्रीमियम बताइए सर। सर 50,000 डॉलर का हमारा था कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और 1 डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट 39 रुपीज का हुआ, और प्रीमियम पे करना है 2%। तो मुझे बताओ आज बैंक को मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा 39,000 जी आ रहा है, 39,000 रुपीज बैंक को देने पड़ेंगे। अगर मुझे आज क्या करना है साहब, अगर मुझे आज कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मुझे 39,000 रुपीज बैंक को देने पड़ेंगे, आज देने पड़ेंगे। लेकिन जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहा हूं वो साली साहिबा की मैरिज पर निकाल रहा हूं ना, या आज निकाल रहा हूं? बताओ मैं प्रॉफिट एंड लॉस कब निकाल रहा हूं? जो गोल्ड का रेट 42,000 हुआ था या 38,000 हुआ था, वो साली साहिबा की मैरिज पे हुआ था या आज ही था? सर वो तो मैरिज पर हुआ था ना, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस कब निकाल रहा हूं? आज से 3 महीने बाद, आज नहीं निकाल रहा। तो ये तो आज का पैसा है, आज का पैसा कभी भी 3 महीने बाद के पैसे से कंपेरेबल नहीं है, ठीक है ना। आप लिख लो अपफ्रंट, ये अपने समझने के लिए है। अपफ्रंट प्रीमियम मुझे आज पे करना है, और हेजिंग पर प्रॉफिट एंड लॉस में 30 सितंबर को कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट होगी। तो मुझे बताइए सर अपफ्रंट प्रीमियम में इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट क्या होगी। मुझे बताइए टोटल कॉस्ट ऑफ अपफ्रंट प्रीमियम मुझे क्या पड़ी। टोटल कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्या पड़ी, 39,000 तो थी ही थी, प्लस 3 महीने का ब्याज, क्योंकि आज का पैसा 3 महीने बाद के पैसे से कंपेरेबल नहीं है। तो मुझे जल्दी से बताएं 3 महीने या 6 महीने कितने हैं इसमें। एक अच्छा 9 महीने हैं, सॉरी 9 महीने, 1 जनवरी से लेकर 9 महीने हैं, ठीक है ना। कितना आया सर ये, 41,925, ठीक है दोस्त। अब मुझे बताइए पहला केस, कंपटीशन ऑफ
कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ रेट ऑफ डॉलर इज 42 रुपीज 42, क्या होगा सर? सबसे पहले बताओ कि मैं डॉलर का खरीदार हूं ना, ठीक है ठीक है। तो दरअसल आप पता है परेशान क्यों रहते हैं, आप ना डायरेक्ट देखते हैं आंसर में, मतलब क्योंकि आंसर में सीधा लिखा होता है कि मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना, 42 माइनस 39 इंटू में 50,000, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1.5 लाख रुपए का। कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितनी, 41925। मुझे बताइए नेट P&L मेरा कितना हुआ, आई थिंक 108, 1,08,000 शायद 75, शायद कैलकुलेशन आपकी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये प्रॉफिट क्यों हुआ, ये लिखने वाली बात है, इसको लिख लीजिए। मुझे डॉलर 50 करना था और मैंने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि बैंक मुझे एक डॉलर रुपीस 39 में बेचेगा। और 30 सितंबर को जब मैं जब मैं बैंक में 39 रुपीज लेकर पहुंचा तो पता चला कि अब तो $1 42 में मिलता है, शुक्र है कि मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, आई थिंक सर इससे आया तो क्या ही लिखवाऊं। लेकिन अगर उल्टा होता ना सर, यहां पे मुझे डॉलर सेल करना होता, मैं क्या सोचता यार मैंने 39 का सेल कर दिया, काश मैं 42 का सेल कर देता, मतलब सोचना पड़ेगा ना आपको ये चीज, तो ये चीज लिख लिया करो बस, इतनी सी बात है केवल, और कुछ नहीं करना। तो मुझे नेट कॉस्ट क्या पड़ी, 1,08,075 रुपए। और सेकंड पॉइंट, कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ रेट ऑफ डॉलर इज 38, लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कारण, उल्टा अगर एट ए टाइम डॉलर लेता तो 38 का मिल जाता, 39 का बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किए बैठा हूं, ऊपर से ये अपफ्रंट प्रीमियम की कॉस्ट और बियर किए बैठा हूं, बताइए मेरे जैसा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। तो साहब कितना लॉस हो गया, 38 माइनस 39 इंटू में 50,000, तो भाई 50,000 का तो ये लॉस हो गया, ऊपर से क्या कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अपफ्रंट प्रीमियम कितनी पड़ी थी मुझे, 41,925। तो साहब बताइए कितने का घाटा हुआ, टोटल लॉस
क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बताइए, एनी डाउट? किसी को डाउट है तो कृपया करके पूछ लीजिए। जी बेटे कनिका, ये सारे ही क्वेश्चन इजी हैं। फॉरेक्स में कुछ भी नहीं है, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं आपसे, कुछ भी नहीं है फॉरेक्स के अंदर। मैं ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, आप बस चीजों को लिखते जाओ और आराम से बैठ के समझते जाओ, और जो जो समझ आपकी बने उसे लिख लो, बस केवल इतना सा काम करिए, और कुछ भी नहीं है फॉरेक्स के अंदर। और आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, स्वैप पॉइंट ये सब क्लियर होना चाहिए आपको, क्रॉस रेट, स्वैप पॉइंट, एक्सचेंज मार्जिन, ये छोटी छोटी चीजें पक्की पक्की कर लीजिए बस। ठीक है? ठीक है सर। इट इज एडिशनल कॉस्ट प्राची जी, ये एडिशनल कॉस्ट है, ये प्रीमियम पे किया आपने, ये एक तरह से बैंक को कॉन्ट्रैक्ट करने पर कुछ पे किया आपने, ठीक है ना? ये कॉस्ट है आपकी, कोई एडवांस पेमेंट नहीं है। एडवांस पेमेंट होती तो मैं इसे कॉस्ट नहीं मानता, केवल इंटरेस्ट को कॉस्ट मानता मैं, ठीक है ना? ये पैसा वापस नहीं मिलेगा आपको बैंक से, अगर एडवांस पेमेंट होती तो मैं इसको कॉस्ट नहीं मानता, फिर एडवांस पेमेंट नहीं है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 39, अगला हथकंडा। अगेन सर, रिश्ता वही, सोच नहीं, कुछ ना कुछ डाल देगा इसके अंदर भी, कुछ ऊपर नीचे करके, बस क्वेश्चन तो वही चल रहा है सर, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, कनिका का कहना है सर, अगर इसमें यह ना लिखा होता कि टैक्स को इग्नोर करो तो क्या होता? तो क्या होता सर? सर कुछ भी नहीं होता, आप मेरी बात समझिए, डिसीजन तो अल्टीमेट वही होना था, बस प्रॉफिट एंड लॉस होना था, जो ये प्रॉफिट हुआ था इसमें 50% हम टैक्स दे देते, या 50% टैक्स दे देते हम, और ये जो लॉस हुआ था इस पर 50% की सेविंग हो जाती, तो बस केवल 50% कम हो जाता लॉस की फिगर भी और प्रॉफिट की फिगर भी, प्रॉफिट की फिगर भी 50% कम हो जाती और लॉस की भी, बस केवल ये डिफरेंस आता, राइट? आइए क्वेश्चन नंबर 39। ये देखो, फ्लियर ड्यू लेक, ए फ्रेंच कंपनी, एक तो नाम भी ऐसे ऐसे रख देते हैं भाई, क्या करें, एक फ्रेंच कंपनी है शिप गुड्स टू एन अमेरिकन इंपोर्टर, ठीक है? फ्रेंच कंपनी ने क्या किया, अमेरिकन इंपोर्टर को गुड्स भेजे अंडर ए लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, मैं आगे जाके बताऊंगा डिटेल में कि क्या होता है ये, विच कॉल फॉर पेमेंट एट द एंड ऑफ 90 डेज, कहता है पेमेंट कब आएगी, 90 दिन बाद, इनवॉइस अमाउंट इज 124, Presently, the exchange rate is 5.70. French FF to the dollar, if the FF were strengthened by 5%, कहते हैं फिलहाल जो प्रेजेंट रेट है वो एक डॉलर में 5.70 FF है, ठीक है? और कहते हैं अगर FF मजबूत हो जाए तो क्या होगा, by the end of 90 days, कहते हैं क्या गेन और लॉस होगा, और अगर वीक हो जाए तो क्या होगा। अगेन सर, क्वेश्चन क्या है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ गोल्ड की फॉर्म में, उसके बाद हम बात करते हैं। सॉरी, 10 ग्राम गोल्ड आज 50,000 का है, ठीक है? ठीक है सर, और मुझे किसी को गोल्ड देना है, बाद में गोल्ड सस्ता हो गया या बाद में गोल्ड महंगा हो गया, तो कहता है मुझे बताओ कि 90 दिन बाद जो रेट में चेंज हुआ उससे मुझे क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, मतलब 10 ग्राम गोल्ड बाद में हो गया 49 का या 51 का, ठीक है? और मुझे बाद में किसी को गोल्ड देना है तो बताइए क्या करूं। पहली बात, ये क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, पहले तो ये बताओ मुझे, फ्रेंच कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूएसए वाली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिलिंग डॉलर में है उससे देख के बताइए केवल, सीधी सी बात है यार, बिलिंग डॉलर में है तो अमेरिका को तो कोई चिंता ही नहीं है ना, यूएस वाले को क्या चिंता है भाई, चिंता किसको है, फ्रेंच
फ्रेंच कंपनी को, ठीक है ना, राइट, चिंता तो उसको है। इनवॉइस हमने किया $1,24,000, ठीक है सर। मुझे बताइए फ्रेंच कंपनी, यहां पहले पहले आप लिख लीजिए यहां पर, क्योंकि लिखिए यहां पर, क्योंकि बिलिंग डॉलर में है है, तो ये चैप्टर यूएसए वाले के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर किसके लिए होगा? फ्रेंच कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, ठीक है सर। फिलहाल क्या रेट है साहब? फिलहाल जो स्पॉट रेट है वो है $1 में कितने FF? 5.70 FF, ठीक है। अब कहता है अगर रेट मतलब 5% से FF मजबूत हो गया या 5% से FF वीक हो गया तो बताओ क्या होगा, यानी दो केस हो गए। FF वीक बाय 5%, बताओ नया रेट क्या होगा। अब समस्या क्या है यहां पर, लेफ्ट करेंसी अगर वीक होती तो मैं राइट में माइनस कर देता, राइट हैंड साइड करेंसी में से माइनस कर देता, लेकिन वीक कौन सी हुई है? राइट करेंसी, ठीक है, तो क्या करूं? तो सर हमें तो हमेशा लेफ्ट करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, क्योंकि इट इज द रेट ऑफ डॉलर, ना कि एफएफ का रेट है। ये किसका रेट है? डॉलर का रेट है। आप यहां लिखिए अपनी समझ के लिए, अगर FF 5% से वीक हो गया तो इसका मतलब डॉलर 5% से मजबूत हो गया, हमें डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि डॉलर लेफ्ट हैंड साइड करेंसी है। सिंपल भाषा में कहूं तो ये डॉलर का रेट है, ठीक है। तो मेरा नया रेट क्या होगा दोस्त? $1 में अगर एफ एफ वीक हो गया 5% से तो डॉलर मजबूत हो गया। साहब नया रेट क्या होगा जल्दी से मुझे बताएं। एफ एफ 5.985, ठीक है जी। और अगर FF मजबूत हो गया तो स्ट्रेंथ बाय 5%, देन क्या होगा साहब? नया रेट क्या होगा? डॉलर वीक हो गया, बताइए क्या रेट होगा साहब? ये रेट होगा, ठीक है जी। अब दो केस हो गए मेरे पास, FF वीक हो गया और FF स्ट्रेंथ हो गया, दो केस हो गए। मुझे बताओ अगर मैं स्पॉट पे कन्वर्ट करता
तो क्या होता? सर फिलहाल तो एक्सचेंज रेट 5.70 है, अगर आप स्पॉट पे कन्वर्ट करते तो 1,24,000 डॉलर के बदले आपको इतने एफएफ मिल जाते। स्पॉट रिसीवेबल लिखोगे ना आप, रिसीवेबल, आप तो एक्सपोर्टर हो ना सर, आप एक्सपोर्टर हो, ध्यान रखना ऊपर लिख लो, एक्सपोर्टर हो आप, एक्सपोर्टर, तो आपके पास तो पैसा आना है, तो अगर आज वाले रेट पे कन्वर्ट करते तो कितना पैसा आता, जल्दी से बताओ। रिसीवेबल कितने होते हैं आज वाले रेट पे कन्वर्ट करने पर? रिसीवेबल इतने होते, ठीक है सर। अब मुझे बताओ, अब रिसीवेबल क्या होंगे, एक्सपेक्टेड रिसीवेबल? अगर एफएफ वीक हो गया, मुझे बताओ क्या रेट लगा था आपके ऊपर, इनटू वीक होने पे क्या रेट लगा था, 5.985, और स्ट्रॉन्ग होने पर क्या रेट लगा था, 5.415। तो बस कंपेयर कर लो, यहाँ पे अपनी भाषा में लिख लो, मुझे इतना पैसा मिलना था, इतना मिलेगा, इतना मिला या मिलेगा, जो भी है रेट। तो बताइए मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस, जल्दी से बताइए मुझे। यहाँ पे कितना आ रहा है सर, फर्स्ट केस में आ रहा है 742,140, सेकंड केस में कितना आ रहा है? सब बच्चे कैलकुलेशन किया करो यार, ऐसे मत बैठे रहा करो, कैलकुलेशन करने से बेटे समझ बढ़ती है चीज़ों के बारे में, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कैलकुलेशन करने से क्या होगा। अब मुझे इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, तो ये तो हो गया मेरा प्रॉफिट, क्योंकि तो ज़्यादा मिलेंगे ना सर, एफएफ अगर वीक हो गया तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एक्सपोर्टर से क्या चाहता है, एक्सपोर्टर चाहता क्या है, अगर मैं ये लिखूं कि एक्सपोर्टर की चाहते क्या होती हैं, कि फॉरेन करेंसी वीक हो या स्ट्रांग हो, एक्सपोर्टर क्या चाहता है? एक्सपोर्टर हमेशा ये चाहता है कि फॉरेन करेंसी स्ट्रांग हो, एक्सपोर्टर सर उसके बाद फॉरेन करेंसी आनी होती है ना, और होम करेंसी वीक हो, ठीक है ना, लिख लो बेशक अपनी समझ के लिखना हो तो। अभी फिलहाल तो ये लिख लो, प्रॉफिट कितना हुआ, कितना हुआ दोस्त, वैसे प्रॉफिट लॉस बता दो ना यार एक बार जल्दी से। 35,340, दिस इज माई प्रॉफिट, लिख देना प्रॉफिट। लॉस कितना हुआ, ठीक है सर, आप लिख लो, एक्सपोर्टर खुश होगा, मोकैम्बो खुश हुआ, एक्सपोर्टर अगर फॉरेन करेंसी ऊपर जाए और होम करेंसी नीचे जाए, एक्सपोर्टर खुश है, एक्सपोर्टर उदास होगा अगर फॉरेन करेंसी नीचे जाए या होम करेंसी ऊपर जाए, यही तो होगा सर, ठीक है ना। अब इस केस में क्या हुआ था, एक्सपोर्टर की जो होम करेंसी थी वो एफएफ थी, होम करेंसी एफएफ थी, अगर होम करेंसी एफएफ थी और वो वीक हो गई थी तो देखो ना वो फायदे में रहा ना, देखो ना एक्सपोर्टर की होम करेंसी अगर वीक होगी तो फायदे में रहेगा, तभी तो वो खुश है सर, सीधी सी बात है। अगर मैं एक्सपोर्टर हूं और मेरे पास डॉलर आने हैं, सोच कर देखो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं एक्सपोर्टर हूं और मेरे पास डॉलर आने हैं तो मैं क्या चाहूंगा, मैं यही तो चाहूंगा कि साहब डॉलर का रेट आसमान पे जाए, क्योंकि मेरे पास डॉलर आने हैं 3 महीने बाद, मैं उस डॉलर को महंगे ही बेचूंगा, यही तो होगा सर, ठीक है, इज दैट क्लियर? आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, देखो सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं,
किसी में कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि ये मुश्किल है या ये आसान है, सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे हैं, केवल एक सोच का फर्क है और कुछ भी नहीं। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर 40, उसके बाद मैं आपको ब्रेक दे देता हूँ, या अभी ब्रेक दे देता हूँ, चलिए अभी आप ब्रेक ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 उसके बाद कर लेंगे। चलिए आप 10 मिनट का ब्रेक एंजॉय कीजिए, हम मिलते हैं 9:17 पर। क्वेश्चन नंबर 40, एक्सेल एक्सपोर्टर्स आर होल्डिंग एन एक्सपोर्ट बिल इन यूएसए 1 लाख इन ड्यू 60 डेज हेंस। कहता है एक्सेल एक्सपोर्टर ने, एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई है कि यूट्यूब पर डाल देना ब्रेक के बाद वाला पार्ट। ठीक है प्राची, मैं देखूंगा क्या करना है इसमें। दे आर वरी अबाउट द फॉलिंग यूएसडी वैल्यू। अब भाई एक्सेल एक्सपोर्टर ने 1 लाख डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट किए, अब उन्हें चिंता क्या हो रही है कि डॉलर का रेट कम ना हो जाए, कि जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि डॉलर का रेट अगर कम हो जाता है, मतलब अगर फॉरेन करेंसी का रेट कम हो जाता है तो एक्सपोर्टर हमेशा क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बड़े चिंता में है, रात को नींद नहीं आ रही एक्सेल एक्सपोर्टर को। हिसाब इन्हें लग रहा है कि अगर डॉलर का रेट कम हो गया तो इन्हें तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, 60 दिन बाद आने हैं। कहता है फिलहाल तो रेट चल रहा है 45.60 पर यूएसडी, 1 डॉलर में 45 रुपये 60 पैसे रेट चल रहा है फिलहाल। ठीक है, ये आज का रेट है, राइट। द कंसर्न एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट हैज बीन प्राइस ऑन एन एक्सचेंज रेट ऑफ 45.50 पर यूएसडी। कहता है जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है, एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है, हमने उसका जो एक्सचेंज रेट बुक किया वो 45.50 किया। अब ये क्या बला है सर, ये क्या आफत है सर, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आज डॉलर का रेट है 45.60 एक्सचेंज रेट, ठीक है, लेकिन जो मैंने बिल किया ये तो है एक्सचेंज रेट, ये एक्सचेंज रेट है डॉलर का आज का, लेकिन जब मैंने बिल किया, बिल बिल, तब मैंने डॉलर का कौन सा रेट उठाया, मैंने उठाया 45.50। सर आपने ऐसा क्यों किया, जब रेट ये चल रहा था, सॉरी जब रेट ये चल रहा था तो आपने ये रेट क्यों उठा लिया बिल करने के लिए। बेटा दरअसल जब हम बिलिंग करते हैं तो बीच में आ जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सीबीईसी। सीबीईसी की साइट पर आपको रेट गिवन होते हैं, रेट सीबीईसी की साइट पर आपको रेट गिवन होते हैं, बिलिंग आप उसी रेट से करते हैं जो सीबीईसी की साइट पर गिवन होते हैं, ठीक है ना, ना कि करंट एक्सचेंज रेट पर, क्योंकि वहां पर कस्टम का मैटर आ जाता है, जो कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है, ठीक है, या जो अमाउंट एक्सपोर्ट का माना जाता है वो उस रेट के हिसाब से माना जाता है जो सीबीईसी की साइट पर अवेलेबल होते हैं रेट। तो जो आप प्रैक्टिकली बिलिंग करते हो वो उस रेट पर करते हो जो सीबीएसई की साइट पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक्सचेंज रेट बैंक जो बेच रहा है डॉलर या खरीद रहा है वो 45.60 पर चल रहा है रेट फिलहाल, लेकिन जो बिलिंग हो रही है हमारी, बिलिंग वो इस रेट पर हो रही है। ठीक है सर, सिंपल मतलब समझ गए, तो पहले इस दो रेट का मतलब लिख लो कि एक्सचेंज रेट क्या है हमारा, एक्सचेंज रेट क्या है, दिस इज माई एक्सचेंज रेट और दिस इज माई बिलिंग रेट, बिलिंग बिलिंग रेट या सीबीईसी का रेट, सीबीईसी की साइट का रेट, या आप कह सकते हो जो मैंने अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री की है वो तो मैं बिलिंग रेट से ही करूंगा ना सर, तो मैंने अकाउंटिंग रेट नाम दे दिया इसको, तो मैंने एंट्री इस रेट से की हुई है फिलहाल अपनी बुक्स में। ठीक है, यानी कि जब मैंने बिल किया, ठीक है ना, तो मैंने क्या एंट्री की होगी,
भाई मान लो मैंने एक्सपोर्ट किसको किया है, जॉन को, तो मैं बोलूंगा जॉन अकाउंट डेबिट, मैं एक्सेल एक्सपोर्टर हूं, इन द बुक्स ऑफ एक्सेल एक्सपोर्टर एंट्री होगी जॉन अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है, कितनी, 1 लाख इंटू 45.50 यानी 45,50,000 रुपये से ये एंट्री होगी मेरी बुक्स में, और जो बिल बनेगा मेरा वो भी 45 लाख, जो मेरा टैक्स इनवॉइस बनेगा वो 45,50,000 के हिसाब से बनेगा टैक्स इनवॉइस, ये मतलब है इस रेट का, बात समझ में आ गई। हाँ सर, अब कहता क्या है, कहता आज का रेट है 45 रुपये 60 पैसे, लेकिन मैंने जो बिल किया है वो 45 रुपये 50 पैसे के हिसाब से किया है, द फर्म बैंकर हैव कोटेड ए 60 डेज फॉरवर्ड रेट इज 45.20। कहता है जो बैंकर है वो कहता है कि अगर आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो मैं एक्सपोर्टर हूं ना सर, अनूप मोदी एक्सपोर्टर है, तो बैंक कह रहा है मैं आपसे डॉलर 45.20 में खरीद लूंगा, तो ये बात तो पक्की है, नुकसान होना तो तय है, क्योंकि आज रेट चल रहा है 45.60, मेरा बिलिंग का रेट है 45.50, लेकिन बैंक मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है 45.20 पर, ठीक है सर, इज ए क्लियर, कैलकुलेट। कहता है रेट ऑफ डिस्काउंट कोटेड बाय बैंक, कहता है बताओ बैंक ने जो रेट कोट किया है नया वो कितने परसेंट डिस्काउंट पर किया है, मुझे बताओ बैंक स्पॉट रेट किस वैल्यू पे कोट कर रहा है, 1 डॉलर में 45 रुपए 60 पैसे, ये बैंक का रेट है ना, बैंक का रेट, और बैंक फॉरवर्ड रेट किस पे कोट कर रहा है, 1 डॉलर में 45 रुपए 20 पैसे, ये कौन सा रेट है सर, ये रेट है, ये भी बैंक का रेट है जो बैंक कोट कर रहा है, राइट, ये बैंक का रेट है, तो मुझे बताइए बैंक कितने परसेंट डिस्काउंट पर डॉलर को कोट कर रहा है, तो डिस्काउंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड करेंसी यानी कि डॉलर, मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इंटू में 100, तो फॉरवर्ड रेट कितना है सर, 45.20 माइनस स्पॉट रेट 45.60 डिवाइड बाय स्पॉट रेट इंटू में 100, तो मुझे बताइए कितने परसेंट पर डिस्काउंट पे आ रहा है ये, 0.885%, कितने परसेंट डिस्काउंट पर आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है, कहता है हमें बताओ द प्रोबेबल लॉस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ द फॉरवर्ड सेल इज एग्री टू, कहता है अगर हमने फॉरवर्ड सेल ले लिया मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें बताइए हमें कितना लॉस होने की उम्मीद है, वो अपने बुक्स में शायद लॉस बुक करना चाहते होंगे, प्रोविजन बुक करना चाहते होंगे उसका, ये तो लॉस हमें होना ही होना है, ठीक है ना, तो कहता है कितना प्रोबेबल लॉस होगा सर, अब मुझे बताओ ये जो लॉस की कैलकुलेशन है वो 45.60 से करूं या 45.50 से करूं, लॉस की बात कर रहा है वो, लॉस मुझे बुक्स में बुक करना होता है, मुझे बताइए मैं किस पर बुक किस पर निकालूं लॉस, 45.50 पर या 45.60 पर, तो अभी तक मेरे पास सारे आंसर नहीं आए, 3 बच्चों का आंसर आया सिर्फ, सब बच्चों का आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पर, वेरी गुड, सब बच्चों का कहना है सर लॉस तो 45.50 पर ही निकलेगा क्योंकि लॉस हमें शायद बुक करना होगा बुक्स में, तो मुझे बताइए प्रोबेबल लॉस कितना होगा, 45.50 मिलने थे, 45.20 मिलेंगे और 1 लाख डॉलर, 1 डॉलर पर 30 पैसे का नुकसान, तो 30,000 रुपये का साहब नुकसान हो गया, मतलब मेरे पास 45,50,000 आने थे लेकिन आएंगे केवल 45,20,000 रुपये, बात समझ में आती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ रटना वटना मत कि 45.50 या 45.60, भाई जहां तक रेट कोटेड बाय बैंक है कि उसने कितना डिस्काउंट पे कोट किया, फिर तो दोनों रेट बैंक के ही पकड़ेंगे आप, लेकिन जब लॉस की बात चल रही होगी तो वो रेट उठाएंगे जो बुक्स में बुक किया है हमने, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। हाँ सर, बात समझ में आ गई, एनी डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो यार, आप डाउट और पूछते नहीं, क्या चक्कर है, पता नहीं नाराजगी है कोई।
डाउट वर्ड क्यों नहीं पूछते यार आप लोग? क्यों बच्चा डाउट ही नहीं पूछता? कितने अच्छे बच्चे हैं, है ना? ऑल क्लियर भाई, क्लियर बोला करो यार। ऑल क्लियर लगते हैं ना मुझे, कुछ और फीलिंग आने लगती है। एक बच्चे का कहना है ऑल क्लियर सर, क्लियर बोला करो खाली। ऑल क्लियर से तो दिल टूट जाता है मेरा जी। 41, अब देखो 41 एक अजीब सा टॉपिक, लॉस और गेन ड्यू टू बैंक स्ट्राइक। लॉस और गेन ड्यू टू बैंक स्ट्राइक, अरे भाई ये क्या टॉपिक है, मैं क्या बताऊं सर। ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं ना, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं दोस्त, मतलब टॉपिक क्या है ये कुछ भी नहीं, मतलब मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। चलो सर क्या हुआ, मैं बैंक से 10 ग्राम गोल्ड परचेज करने गया, ठीक है, मैंने 10 ग्राम का कॉइन परचेज करने गया बैंक से। बैंक कहता है जी 10 ग्राम गोल्ड परचेज करने गया बैंक से, आज तारीख, आज है मान लीजिए 1 जनवरी, ठीक है, मैं परचेज करने गया, ठीक है, तो उस टाइम रेट चल रहा था 50,000 जो बैंक की साइट पे अवेलेबल था, कि भाई ये रेट चल रहा है 50,000 रुपये गोल्ड का, ठीक है जी। मैं बैंक गया, भागा भागा पंजाब नेशनल बैंक गया साहब, वहां पर नारे लग रहे थे बाहर, PNB बैंक है। मैं बाहर गया, लोग बाहर खड़े होकर जोर जोर से नारे लगा रहे थे, हाय 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 हाय। हाँ मैंने कहा अरे भाई क्या हुआ, कहते हैं भैया बैंक की स्ट्राइक है 4 दिन के लिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने कहा ओहो, मैं तो 10 ग्राम गोल्ड 50,000 का परचेज करने आया था आज। कहते हैं नहीं भैया नहीं, आज कुछ परचेज वर्चेज नहीं, घर जाओ अपने। ठीक है कोई बात नहीं, कब स्ट्राइक खुलेगी? उसने कहा भाई 5 जनवरी को खुलेगी जाकर स्ट्राइक। ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर 5 जनवरी को आया, उस दिन स्ट्राइक खत्म हो गई थी। मैंने कहा भाई क्या मतलब गोल्ड का अब क्या रेट? मैंने चेक किया भाई, गोल्ड का रेट हो गया था 50,300 रुपये। बताओ भाई बताओ, मुझे कितने का नुकसान हो गया? मैं गोल्ड परचेज करने जा रहा हूँ तो नुकसान होगा ना शायद, मुझे नुकसान हुआ या फायदा पहले तो ये बताओ। मुझे गोल्ड परचेज करना था, अरे अच्छा भला 1 जनवरी को 50,000 का मिल रहा था और जब मैं गया 5 जनवरी को तो 50,300 का मिल रहा था, बताओ जी क्या हो गया? ओहो 300 रुपये का घाटा हो गया, क्या बात है यार 300 का घाटा हो गया। अच्छा अगर मान लो यही गोल्ड मैं सेल करने जाता तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना आपको उस एंगल से, तो क्या होता अगर मेरे को गोल्ड सेल करने जाना होता तो मैं प्रॉफिट में रहता, तो देखना पड़ेगा ना कि मैं ट्रांजेक्शन क्या करने जा रहा हूँ, कोई चीज बेचने जा रहा हूँ और रेट बढ़ गया, आपको तो सोचना पड़ेगा आपको इतना तो थोड़ा सा, ठीक है ना। टॉपिक केवल इतना है बस, खत्म। लॉस और गेन ड्यू टू बैंक स्ट्राइक, टॉपिक केवल इतना सा है सर। लेकिन अगर इसमें मैं मसाला डाल दूं किस चीज का, अगर मैं इसमें मसाला डाल दूं क्रॉस रेट का, एक्सचेंज मार्जिन का, मतलब मैंने जो रेट दे दिया आपको सीधा सीधा स्पॉट रेट 1 जनवरी का जो रेट दे दिया उसको मैं आपको क्रॉस रेट के माध्यम से दूं, इसमें एक्सचेंज मार्जिन का तड़का भी लगा दूं, और ऐसे ही 5 जनवरी को जो रेट दूं वो भी क्रॉस रेट के माध्यम से दूं, उसमें भी फिर मैं एक्सचेंज मार्जिन का तड़का लगा दूं, कैसा लगेगा सर? बस सर खत्म, यही टॉपिक है, टॉपिक केवल इतना सा है, टॉपिक तो खत्म, टॉपिक कुछ भी नहीं है इसके अलावा, बस इसमें ना मिर्च मसाला लग जाएगा और कुछ भी नहीं है, बेसिक का मिर्च मसाला। आइए जरा देखते हैं और फिर हम इसको नोट भी करेंगे, खत्म। और ये चीजें नोट कर लिया करो, 10 ग्राम गोल्ड आज 50,000 का है, और ऐसे ऐसे नोट किया करो इसको, यहां पर नोट कर लो 10 ग्राम गोल्ड आज 1 जनवरी को 50,000 का था, मैं परचेज करने गया, मैं बैंक में परचेज करने गया, वहां पर स्ट्राइक थी, मैं परचेज नहीं कर पाया। ऐसे लिख लिया करो आराम से, कर पाया, और जब मैं परचेज करने गया और जब स्ट्राइक खत्म हुई
जनवरी को मैं परचेज करने गया तो रेट 50,300 हो चुका था। बैंक स्ट्राइक के चक्कर में मुझे 300 का नुकसान हो गया। बस टॉपिक खत्म। टॉपिक तो केवल यही है, इसमें केवल क्या लगाना पड़ेगा, मिर्च मसाला। कनिका, मैं लेटर ऑफ क्रेडिट आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक क्वेश्चन आएगा वहां एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। आइए साहब, 41 देखते हैं सर क्या घटना घटी। ऑन जनवरी 28, 2013 एक इंपोर्टर है, कस्टमर रिक्वेस्ट टू ए बैंक टू रिमिट सिंगापुर डॉलर। उसने बैंक को कहा कि साहब सिंगापुर डॉलर मुझे खरीदने हैं, क्योंकि शायद इसने इंपोर्ट किया होगा, 25 लाख सिंगापुर डॉलर इसको खरीदने थे बैंक से, अंडर एन इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। मैं बाद में बात करूंगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या चीज है, फिलहाल तो हम फोकस करते हैं पॉइंट पर। हाउएवर ड्यू टू बैंक स्ट्राइक द बैंक कुड इफेक्ट द रेमिटेंस ओनली ऑन 4th February। सर 28 जनवरी को हम गए थे, 4 फरवरी को बैंक ऐसा कर पाया क्योंकि बैंक में स्ट्राइक चल रही थी 28 जनवरी को। अब कहता है सर 28 जनवरी को तो था ये रेट, काश वो सीधा सीधा दे देता कि एक सिंगापुर डॉलर का ये रेट था, तो बात खत्म हो जाती यार। और 4 फरवरी को ये रेट था, बात खत्म हो जाती। लेकिन अब इसने क्रॉस रेट डाल दिया बीच में, अरे बाप रे, ये भी डाल दिया, बैंक विशेस टू रिटेन एन एक्सचेंज मार्जिन। ओहो, साथ में क्या डाल दिया, एक्सचेंज मार्जिन। बस सर और क्या करना है, अगर मुझे सीधा सीधा रेट मिल जाता तो मैं देख लेता कि 25 लाख डॉलर अगर मैं 28 जनवरी को खरीदता तो मुझे इतने के पड़ते, लेकिन आज कितने के पड़ रहे हैं, आज इतने के पड़ रहे हैं। तो साहब बड़ा सिंपल सा टॉपिक होता, लेकिन फिलहाल तो समस्या है। फिलहाल तो मुझे क्या चाहिए, फिलहाल तो साहब मुझे रेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे अलग अलग, ठीक है ना? आइए देख लेते हैं जल्दी से मैथमेटिकली हम कैसे करेंगे। एक डॉलर में आज कितने रुपए हैं, 45.85 और 45.90, जिसको मैं मैथमेटिक्स टर्म में, ये मैं 28 जनवरी की बात कर रहा हूँ साहब, 28 जनवरी की, इसको मैं मैथमेटिक्स सेंस से रुपीज अपॉन डॉलर लिख लेता हूँ, ठीक है साहब? ठीक है सर। अगला रेट है, एक पाउंड में कितने डॉलर, ये कह रहा है एक पाउंड में इतने डॉलर, तो डॉलर कितने साहब, 1.7850 साहब डॉलर अपॉन पाउंड, इसको मैं मैथमेटिक्स सेंस से लिख देता हूँ। नेक्स्ट रेट है अगेन, एक पाउंड में कितने सिंगापुर डॉलर, 3.1575 और 3.1590 सिंगापुर डॉलर अपॉन में पाउंड। मुझे निकालना क्या है साहब, मुझे निकालना है कि एक सिंगापुर डॉलर में कितने रुपए, ठीक है? फॉरेन करेंसी को जनरली लेफ्ट में रखता है इंस्टीट्यूट, तो मैंने लेफ्ट में रखा, आप राइट में रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? तो मुझे निकालना है रुपीज अपॉन सिंगापुर डॉलर, ठीक है, ये मुझे निकालना है। अब सर क्या तरीका है इसका, बात समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि आप दोनों निकाल लीजिए, बिड और आस्क, और फिर डिसाइड कीजिए लगना कौन सा था। या फिर ज्यादा बेटर क्या है, ज्यादा बेटर क्या है कि आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि बिड लगना है या आस्क। सर आपने लेफ्ट में रखा है सिंगापुर डॉलर को,
ठीक है साहब, आपने लेफ्ट में इसी को तो रखा है, अगर आप रुपीज रखते तो अलग बात होती। ठीक है, अब मुझे बताओ, बैंक सिंगापुर डॉलर बेच रहा है या खरीद रहा है? हमने लेफ्ट में किसको रखा है? सिंगापुर को, सिंगापुर डॉलर को। मुझे बताइए, लेफ्ट में सिंगापुर डॉलर को रखा है तो बैंक सिंगापुर डॉलर बेच रहा है या खरीद रहा है? बेच रहा है ना सर। तो मैं केवल क्यों ना, केवल मैं आस रेट निकालू, तो बिड क्यों निकालू? तो मैं आस निकाल लेता हूं। अगर कोई बच्चा ऐसा करता, वो रुपीज को लेफ्ट में रखता, तो मुझे बताओ बैंक रुपए खरीद रहा है या रुपए बेच रहा है? मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा रुपीज को लेफ्ट में रखता, 1 रुपीज इज इक्वल टू कितने सिंगापुर डॉलर, तो फिर क्या होता? फिर बिड रेट एप्लीकेबल होता, मतलब केवल बिड निकालता। फिलहाल मैंने लेफ्ट में क्या रखा? सिंगापुर डॉलर, ठीक है ना, सिंगापुर डॉलर। ठीक है, तो सर सिंगापुर डॉलर हमने रख दिया, तो पर लिखो, पर लिखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड में एसजीडी रखे हैं और बैंक एसजीडी बेच रहा है, तो आस्क रेट एप्लीकेबल होगा। आस्क रेट एप्लीकेबल होगा, राइट? आस्क रेट एप्लीकेबल होगा, इसलिए हम केवल आस्क रेट कंप्यूट करेंगे, आस्क रेट ही कंप्यूट करेंगे। ये बातें ना समझने के लिए है, मतलब ये एग्जाम में मत लिखाना, केवल एग्जाम में तो सीधा आस रेट निकालो, काम खत्म। ये तो मैं केवल समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। अब मुझे चाहिए सर मैथमेटिकली रुपीज अपॉन सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू, ये चाहिए। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो ऊपर रुपीज ही आएगा, अपॉन में। रुपीज का रिलेशनशिप किससे है सर? रुपीज का रिलेशनशिप तो केवल डॉलर से है सर, तो बस अपॉन में डॉलर। क्या नीचे डॉलर है? नहीं, तो डॉलर से डॉलर तो कटना है, बात खत्म। अब डॉलर का रिलेशनशिप किससे है सर? उसका रिलेशनशिप नेक्स्ट पाउंड से है, तो अपॉन में पाउंड। अब पक्की बात है, पाउंड से पाउंड भी कटना है, क्योंकि नीचे पाउंड नहीं है। अब पाउंड का रिलेशनशिप किससे है सर? सिंगापुर डॉलर से है। वो ऊपर है या नीचे है वो अलग बात है, यहाँ पर क्या है वो नहीं देखना अभी आपको। तो सिंगापुर डॉलर, बात खत्म। और आपको कौन सा रेट निकालना है? आस्क। तो ये सारे रेट कौन से उठाओगे आप? आस्क। तो रुपीज अपॉन डॉलर आस्क 45.90 इंटू डॉलर अपॉन पाउंड, यहां भी सीधा सीधा है, डॉलर अपॉन पाउंड आस्क इनटू पाउंड अपॉन सिंगापुर डॉलर, और यहां पर था सिंगापुर डॉलर अपॉन पाउंड, ये उल्टा है। तो मैंने कहा था उल्टा हो तो एक तो बिड उठा लो आस्क की जगह, बिड उठा लो, थ्री पॉइंट 1575। क्या रेट आ रहा है साहब? 25.95, राइट। एक सिंगापुर डॉलर में 25 रुपए 95 पैसे। एक बच्चे ने क्या बोला मुझे, एक मिनट आपकी चैट कहीं और चली गई बेटे, एक मिनट जरा रुकिए। अंजलि आपने कुछ बोला था मुझे अभी, क्या बोला था सर? फॉरेन करेंसी हमेशा लेफ्ट में लिखने, अंजलि मैं आपको अनम्यूट करूं बेटे, जरा मैं आपको अनम्यूट करता हूं, मुझे आपका डाउट वैसे क्लियर नहीं हो रहा, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं बच्चा, ठीक है? हाँ सर, ठीक है, लीजिए अंजलि जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मुझे जल्दी से बताइए आप क्या कहना चाहते हैं कि लेफ्ट में क्या रखेंगे? मैंने लेफ्ट में लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक बात है। इंस्टीट्यूट का यही ट्रेंड है कि फॉरेन करेंसी को लेफ्ट में रखो, तो आप वो रख लो, क्या समस्या है उसके अंदर? ठीक है ना, मतलब लेफ्ट में रख दो।
अगर मान लो एक कंट्री यूएसए होती या एक कंट्री कुछ और होती, मतलब इंडिया में अगर को हम बात करोगे तो लेफ्ट ऑफ फॉरेन करेंसी आएगी। अगर दोनों बाहर की कंट्री है, यानी डायरेक्ट कोर्ट है ना, इनडायरेक्ट कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, दोनों बाहर की करेंसी है, तो लेफ्ट में क्या रखें? सर कुछ भी रख दो, आप इसी क्वेश्चन में कुछ भी रख दो, कोई समस्या नहीं है यहाँ भी, लेकिन मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ रुपीज बेटे ना 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 ना, क्यों आंसर डिफरेंस आएगा? सिंगापुर डॉलर को बेचने का रेट और रुपीस को खरीदने का रेट अलग अलग कैसे हो जाएगा भला? नहीं समझे? नहीं समझे? चलो मैं समझा, एक मिनट रुकिए, मैं ये वाला पॉइंट भी 2 मिनट में ले लेता हूं, ठीक है। फिलहाल तो हमारा ये रेट आ गया, चलो अगर मैं रुपीस को लेफ्ट में रखता तो क्या होता, एक बार देख लेते हैं इस चीज को, ठीक है। अगर मैं रुपीस को लेफ्ट में रखता तो क्या होता, एक बार जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करूंगा इस चीज को। मान लो मैं निकाल रहा होता, हालांकि ये एडिशनल पार्ट है, इसको आप नोट मत कीजिएगा, कितने सिंगापुर डॉलर, ठीक है। तो मैं क्या करता बेटे, मैं सिंगापुर डॉलर अपॉन रुपीज निकालता, राइट? इज दैट क्लियर? बोलो बच्चा, ठीक है। अब मैं अगर सिंगापुर डॉलर अपॉन रुपीज निकालता तो मैं क्या करता, कि क्वेश्चन कैसी बनाता, सिंगापुर डॉलर अपॉन में सिंगापुर डॉलर का रेशियो किससे है, पाउंड से, राइट? तो पाउंड करता इनटू में, नेक्स्ट पाउंड का रिलेशनशिप किससे है, डॉलर से, तो मैं अपॉन में डॉलर करता इनटू अगला डॉलर का रिलेशनशिप किससे है, रुपीज से, तो मैं ऐसा करता, राइट? अब मुझे बताओ मैं कौन सा रेट उठाऊंगा, मुझे बताओ, मैंने रुपीज को लेफ्ट में रखा है, बैंक रुपीज बेच रहा है या खरीद रहा है, ये बताओ, बताओ बच्चा, रुपीज बैंक खरीद रहा है या बेच रहा है, जल्दी से बताओ। बैंक रुपए खरीद रहा है तो बिड रेट एप्लीकेबल है, तो अब मैं कौन सा रेट निकालूंगा, केवल बिड निकालूंगा, चलो बिल्कुल ठीक बात है, मैं बिड निकालूंगा, तो मैं सिंगापुर डॉलर अपॉन पाउंड, बिड सिंगापुर डॉलर अपॉन पाउंड, ये वाला सीधा सीधा है, बिड उठा लूं, तो मैंने उठा लिया 3.1575 इंटू पाउंड अपॉन डॉलर, पाउंड अपॉन डॉलर ये, लेकिन यहां तो डॉलर अपॉन पाउंड है, तो बिड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क उठा लूं इनटू डॉलर अपॉन रुपीस, यहां पे क्या, रुपीस अपॉन डॉलर, तो अगेन आस्क उठा लूं। आप ये बताओ बेटे, इसमें और इसमें क्या फर्क है, वही तो है, देख लो, यहां पे आप सिंगापुर डॉलर अपॉन रुपीस निकाल रहे हो, यहां रुपीस अपॉन सिंगापुर डॉलर निकाल रहे हो, यहां देखो ना 45.90, तो 1 अपॉन में तो होगा ही ना, ये देखो 45.90, 1.7850, ये रहा 1.7, ये रहा 3.1575, ये रहा 3.157, सिमिलर है बेटा, ये कंफ्यूजन खत्म कर दो बिल्कुल दिमाग से, कि आपको लेफ्ट में क्या रखना है। अरे सर कुछ भी रख लो, रेट का ही तो खेल है, केवल क्या फर्क पड़ता है लेफ्ट में क्या रखो, आप रुपीस का रेट निकालो चाहे डॉलर का, सिंगापुर डॉलर का, आपके रेट निकालने से फैक्ट फैक्ट थोड़े ना चेंज हो जाएंगे, भी आप रुपए का रेट निकालते हो या सिंगापुर डॉलर का रेट निकालते हो, उसे फैक्ट थोड़ा चेंज हो जाएंगे, फैक्ट तो वही रहेंगे ना। और सिंपल सी बात है, सिंगापुर डॉलर को बेचने का रेट और रुपीस को खरीदने का रेट अलग अलग कैसे हो सकता है, कि बैंक एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर दो काम करता है ना, एक करेंसी खरीदता है और दूसरी बेचता है, तो एक ही तो रेट लगेगा, रुपीस को खरीदने का रेट और सिंगापुर डॉलर को बेचने का रेट अलग अलग कैसे हो सकता है बेटा, बात तो दोनों एक ही हो रही है, राइट? चलिए ये वाला पार्ट, हाँ जी, एक सिंगापुर डॉलर में कितने रुपए हो गए साहब? अब बैंक एक्सचेंज मार्जिन चार्ज करता, मुझे बताओ अगर मेरी डील 28 जनवरी को ही हो जाती, मेरे ऊपर जो एप्लीकेबल रेट होता वो क्या होता, बताओ ये कौन सा रेट एप्लीकेबल है, आस या बिड, ये कौन सा रेट था सर, ये कौन सा रेट था, आस्क, राइट? अब आस्क रेट जब एप्लीकेबल होता है तो मुझे बताइए एक्सचेंज मार्जिन प्लस होता है या माइनस होता है,
लिख लीजिए। वन प्लस 0.00125, ये ध्यान रखना, ये परसेंटेज 0.125 है तो 0.20 आएंगी, ठीक है ना। तो लिख लेंगे आप, क्योंकि एप्लीकेबल रेट आस्क रेट है, और अगर मैं यही रुपए की सेंस से लेता तो ये माइनस होता, ये माइनस हो जाता, आपको मैथमेटिकली वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि एप्लीकेबल रेट आस्क रेट है, इसलिए एक्सचेंज मार्जिन ऐड होगा, क्योंकि बैंक बेचेगा तो महंगे में बेचेगा, ठीक है। तो बताइए साहब कितना रेट एप्लीकेबल होता मेरे ऊपर, जल्दी से बताएं। 25.98, ठीक है जी, लगभग लगभग, ठीक है। तो मुझे बताइए, मुझे 25 लाख सिंगापुर डॉलर कितने के पड़ते हैं, इंपोर्टर की कॉस्ट क्या पड़ती सर? 28 फरवरी को अगर वो डील कर पाता तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ती, कॉस्ट टू इंपोर्टर 28 फरवरी कितनी? 25 लाख सिंगापुर डॉलर इंटू 25.98 कितने की पड़ती साहब, जरा जल्दी से बता दो। 6495, यानी कि 6,49,50,000। अब बात किसकी करनी पड़ेगी हमें, हमें बात करनी पड़ेगी 4 फरवरी की। देखो क्वेश्चन बड़ा हो गया अननेसेसरी ना, क्रॉस रेट के चक्कर में और एक्सचेंज मार्जिन के चक्कर में, केवल लेंदी हो गया। ये तो मत बोलो ना कि आप एक्सचेंज मार्जिन हमें आता नहीं है, टॉपिक तो कुछ भी नहीं है सर, टॉपिक तो है ही नहीं कुछ है। 28 फरवरी को क्या कॉस्ट पड़ती है, 4 जनवरी को क्या कॉस्ट पड़ रही है। अब मुझे बताओ 4 जनवरी को सिंगापुर डॉलर का क्या रेट होगा। अब बार बार इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिमिलर मैनर में ये नोट कर लो, जैसे ऊपर था, जैसे आपने 45.90 किया तो यहां पर है 45.97, तो यहां पर 45.97 इंटू, यहां पर आपने 1.7850 रखा है, 1.7850 रखा है, उसके कंपेरिजन में ये रख दोगे, बार बार आप दिमाग नहीं लगाना आपको, इंटू आपने 3.1575 से डिवाइड किया, यहां डिवाइड करोगे 3.1380 से, बताओ क्या रेट आ रहा है 28 फरवरी को, 26.04। तो इसका मतलब 4 जनवरी को मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, 25 लाख इंटू 26.04, अगर उस दिन आती तो इतनी आती, आ जाएगी तो इतनी आएगी, लॉस निकाल लो कितना, और अगर यही रिसीवेबल होते तो प्रॉफिट कितना हो जाता, दोनों ही बातें हो गई, ठीक है। जो भी आया सर, मेरे कैलकुलेशन मेरा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, इसमें एक्सचेंज मार्जिन तो ऐड कर दें, इसमें एक्सचेंज मार्जिन में तो ऐड होगा 1 प्लस, और अगर मैं उस दिन डील करूंगा तो एक्सचेंज मार्जिन तो लगेगा ही ना सर, एक्सचेंज मार्जिन के साथ कितने की होगी, 26.07, राइट राइट 26.07, सॉरी एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर लीजिएगा। बस मैं केवल ये देख रहा हूँ कि अगर मैं डील करता 4 28 फरवरी को तो मुझे ये रेट पड़ता, और डील कर रहा हूँ मैं 4 फरवरी को तो ये रेट पड़ रहा है, ख़त्म। तो मुझे बताइए कितने इसमें इन्वॉल्व हो गए रुपीस, कितने रुपए इन्वॉल्व हो गए दोस्त, 6517500, खत्म। अब मुझे बताओ लॉस ड्यू टू बैंक स्ट्राइक कितना हो गया, 2,25,000, राइट। ये प्रॉफिट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है सर, इज दैट क्लियर। आइए आगे चलते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है सर आपका, क्वेश्चन 42 जो कि आपका होमवर्क होगा। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर भी वही चीज़ है, 28 जनवरी को डील होनी थी और डील हुई है हमारी 4 फरवरी को। आई थिंक रिपीट तो नहीं हो गया गलती से ये क्वेश्चन, नहीं भी लग रहा है ये तो, चलो तो देख लेना आप लोग, है ना।
43 अभी नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन मैंने ऊपर भी छोड़ा हुआ था, ठीक है। राइट, नेक्स्ट है कवर डील। कवर डील यार, ये टॉपिक के नाम ऐसे ऐसे रख दिए जाते हैं ना, मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। टॉपिक कुछ भी नहीं होता, कवर डील क्या है, कुछ भी नहीं है सर, अपने आप में टॉपिक सिंपल सी बात समझो, नाम से पता चल रहा है कवर डील। साहब एक बैंक है, बस ये टॉपिक शुरू और खत्म। पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है सर। अब पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, एक कस्टमर को डॉलर बेचने का प्रॉमिस कर लिया, ठीक है, कि मैं ठीक आज से 3 महीने बाद, कनिका कहना है सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में करवाना। अरे बेटे कनिका, दिक्कत यह है नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये तो ये बस बच्चों वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें बस, कुछ भी नहीं, नाम बड़े बड़े रख दिए जाते हैं केवल। कवर डील, कवर कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर, चिंता मत करो, कोई नया टॉपिक कवर नहीं करेंगे कवर डील में। आसान सी बात है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी, ठीक है ना। अब देखो ये कस्टमर है, बैंक ने कहा कस्टमर जी मैं आपको 2 महीने बाद $1,00,000 सेल करूंगा। कस्टमर ने शायद गुड्स इंपोर्ट किए होंगे, उसे पेमेंट करनी होगी, वट एवर। अब इसने कमिटमेंट कर दी, अब कस्टमर तो हो गया चिंताओं से मुक्त, क्योंकि तो सारी चिंताओं का भार अब किसके ऊपर आ चुका है, पीएनबी के ऊपर, ठीक है साहब। अब पीएनबी ने भी क्या किया, पीएनबी ने भी अपने आप को पीछे से कवर कर लिया, ये गया दूसरे बैंक के पास, मैं इसको जानबूझ के नाम दे देता हूं बड़ा बैंक, बड़ा बैंक, ठीक है। उसने कहा बड़े बैंक बड़े बैंक सुनो, उसने कहा क्या हुआ, कहते हैं मैंने आज से ठीक 2 महीने बाद, मान लीजिए आज 1 अप्रैल है, तो ठीक 2 महीने बाद यानी कि 31 मई को मैंने कस्टमर को यार $1,00,000 बेचने हैं और मैंने उसका 70 रुपये रेट तय कर दिया है। अब 70 रुपये जो रेट तय होता है ना सर, समझिए उस चीज़ को, 70 रुपये जो रेट तय होगा उसमें उसका एक्सचेंज मार्जिन भी ऐड होगा, ठीक है ना। तो लेकिन जो इंटर बैंक आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें एक्सचेंज मार्जिन नहीं होता, इसमें तो बैंक ने कमाया होगा ना एक्सचेंज मार्जिन, ये प्लस एक्सचेंज मार्जिन होगा, 70 रुपये में एक्सचेंज मार्जिन ऑलरेडी शामिल होगा, ठीक है सर। अब उसने कहा बड़े बैंक जी मैं चाहता हूं कि मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि आप मुझे आज से 2 महीने बाद डॉलर बेचोगे, मतलब मैं पीएनबी अपने आप को कवर कर रहा है कुछ भी नहीं, ठीक है। बड़ा बैंक कहेगा ठीक है, तुमने जब इसको बेचा था तो क्या रेट लगाया था, हालांकि बड़े बैंक का मतलब नहीं है, मैं तो मिर्च मसाला लगा रहा हूं यहां पर। पीएनबी ने कहा देखो जी, जो बैंक का आपस में खरीदने बेचने का रेट होता है उसमें उसमें मैंने आज का रेट उठा लिया था क्योंकि मैं डॉलर बेच रहा था, मैं मान के चल रहा हूँ डॉलर लेफ्ट में है, ठीक है ना। बैंक कहता है देखो जी डॉलर लेफ्ट में था, डॉलर का रेट गिवन था और मैं कस्टमर को डॉलर बेच रहा था, तो मैंने आज का रेट उठा लिया, उसमें अपना एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर दिया और कस्टमर को एक रेट दे दिया 70 रुपये, तो इंटर बैंक रेट चल रहे थे, मैंने उसमें अपना एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर दिया। बड़े बैंक ने कहा बहुत अच्छी बात है, मान लो रेट चल रहा था, शायद रेट चल रहा होगा 69 और 69.80 और 20 पैसे इसने अपने ऐड कर दिए होंगे, इस बैंक ने पीएनबी ने 20 पैसे अपने ऐड करके, क्योंकि हाँ देखो ना मेरी बात को समझो, अगर पीएनबी किसी बैंक को बेचता तो वो कितने में बेचता, 69.80 में, क्योंकि इंटर बैंक रेट है, ठीक है। लेकिन कस्टमर को बेच रहा है तो 20 पैसे उसे एडिशनल कमाने हैं, ठीक है। अब ऐसे जब वो बड़े बैंक के पास जाएगा तो बड़े बैंक को बोलेगा बैंक जी
देखो आज से ठीक 2 महीने बाद का रेट ये है, ठीक है, 2 महीने बाद का रेट 69.80 है। कस्टमर को मैंने 70 रुपये का बेचा है, उसको मैंने 70 रुपये में डॉलर चिपका दिया, 20 पैसे में कमा रहा हूँ। अब आप बताओ आप मुझे कितने का बेचोगे? बड़े मैग ने कहा भाई मैं तो 69.80 का बेचूंगा। भाई ये भी तो आस्क रेट ही लगेगा, ये मत सोच लेना कि पीएनबी डॉलर खरीदेगा तो बिड रेट लग जाएगा, ऐसा मत सोचना सर। सर हमेशा ध्यान रखना जो जो डीलर होता है, डीलर रेट हमेशा वो कोट करता है, तो यहां पे रेट बड़ा बैंक कोट करेगा। ये बड़े बैंक ने रेट कोट किया 69 और 69.80, मतलब बड़ा बैंक अगर डॉलर बेचेगा तो 69.80 में बेचेगा। कहीं ये इस पॉइंट से मत सोच लेना कि बिड रेट लगेगा, कि पीएनबी डॉलर खरीद रहा है तो 69 का रेट लगा डालो। सर पीएनबी कोई कस्टमर से थोड़ी ना खरीद रहा है, बड़ा बैंक रेट कोट करेगा तो कौन सा करेगा? आस्क कवर कर। देखो सीधी सी बात है, अगर आगे मैंने डॉलर बेचा तो पीछे वाला मुझे डॉलर बेचेगा, पर दोनों तरफ आस्क रेट लगेंगे ना कवर करने के लिए, दोनों तरफ आस्क रेट लगेंगे ना। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है वाली? किसी को समझ ना आई हो तो नो लिख के भेजो। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बस इतना सा क्वेश्चन है सर, और क्या क्वेश्चन है इसमें? अगर मैं क्रॉस रेट का तड़का लगा दूं तो आनंद आ जाए सर। बस टॉपिक केवल इतना सा है, आगे बेचा है तो पीछे वाला भी मुझे बेचेगा, ठीक है। आइए सर आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, टॉपिक क्या है? कवर डील, लिख लीजिए। क्या कवर डील टॉपिक क्या है? बस टॉपिक केवल इतना सही है, टॉपिक क्या है? बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक और कस्टमर, कस्टमर को डॉलर बेचे, बड़े बैंक ने पीएनबी को डॉलर बेचे, दिस इज कॉल्ड कवर डील। बस खत्म, राइट। अब रेट कोट करने में आनंद आ जाए सर, अगर दोनों में तड़का लग जाए, किसका? एक्सचेंज मार्जिन का भी और क्रॉस रेट का भी, दोनों तरफ। अच्छा इसमें तो एक्सचेंज मार्जिन हो नहीं सकता, बड़े बैंक और छोटे बैंक में, बड़े बैंक में और पीएनबी में तो एक्सचेंज मार्जिन होगा ही नहीं। यहाँ एक्सचेंज मार्जिन होगा, इंटर बैंक रेट में होना एक्सचेंज मार्जिन लगता है, ठीक है ना? वो तो बिड आस्क में ही कमा जाते हैं ना, बिड आस्क का जो स्प्रेड होता है उसी में कमा लेते हैं, ठीक है ना? तो बस इतनी सी है कवर डील और कुछ भी नहीं। लेकिन ध्यान रखना अगर ये वाला रेट आस्क है, मतलब कस्टमर को बेचा है, तो ये भी आस्क ही होगा, ये मत सोच लेना कि ये बिड होगा, कवर भी आस्क से ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब? ठीक है सर, आइए क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, आसान सा। यू सोल्ड हांगकांग डॉलर, अब कवर डील की बात चल रही है, तो यू मतलब पीएनबी, पीएनबी बैंक, यू का मतलब पीएनबी बैंक। यू सोल्ड हांगकांग डॉलर 40 लाख वैल्यू स्पॉट टू योर कस्टमर एट 7.15। तो कहना ये चाहता है साहब कि पीएनबी यहां पे है, यू यू सोल्ड, यू सोल्ड हांगकांग डॉलर 7.15 रुपीज में आपने बेचा, बेचा कस्टमर को बेचा ना, देखो मैंने ये दिखाया है एरो, बेचा सेल, ठीक है। अब भाई ये गया किसके पास? अब ये गया साहब बड़े बैंक के पास, बड़ा बैंक, और बड़े बैंक से इसने खरीद लिया, यानी बड़ा बैंक इसको हांगकांग डॉलर बेचेगा।
बड़ा बैंक इसको बेचेगा। अब बड़े बैंक से जब हम रेट पता करने गए तो क्या रेट चल रहा था, कहता है सबसे पहले तो हमने कस्टमर को बेच दिया, एंड कवर यूर सेल्फ इन लंडन मार्केट ऑन द सेम डे वेन द एक्सचेंज रेट वर। अब ये लंदन मार्केट एक्सचेंज रेट दिए है ना सर, ठीक है ना, तो लंदन के पॉइंट सोचेंगे ना, ये लंदन बैंक हो गया हमारा, लंदन का ये बड़ा बैंक, लंदन एक्सचेंज मार्केट रेट है। अब रेट उसने दिया है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना कि वो डॉलर बेचेगा या नहीं बेचेगा। अब हम क्या करेंगे, हांगकांग को लेफ्ट में रख देंगे, ठीक है सर। अब फटाफट से अब मुझे बताओ एक एक हांगकांग डॉलर में कितने रुपए। अरे सर यहाँ तो डायरेक्ट रेट गिवन ही नहीं है, ओहो ये तो क्रॉस रेट्स के माध्यम से निकालना पड़ेगा। एक डॉलर में कितने हांगकांग डॉलर, 7.9250 और 7.9290, ठीक है, यानी कि मुझे गिवन है हांगकांग डॉलर अपॉन में डॉलर। दूसरा रेट क्या गिवन है साहब, 1 डॉलर में कितने रुपए, 55 और 55.20। ये जो साहब रेट है ये इंडिकेट करता है रुपीज अपॉन डॉलर को, और मुझे क्या रेट चाहिए, एक हांगकांग डॉलर में कितने रुपए। ओके, एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर आप पीएनबी को यू कैसे बोल सकते हो। मैंने कहा क्या पता यू कोई और हो। बेटा ये तो वही हो गया, पति पत्नी और वो, चलो देखते हैं साहब कौन है ये वो, यू कौन है यहाँ पर। यू सोल्ड हांगकांग डॉलर, सर यू को क्या कहना चाहते हैं आप, जैसे यू कौन, यू सोल्ड हांगकांग डॉलर टू योर कस्टमर, भाई किस किस को माना चाहते हैं आप, यू कोई डीलर तो है, किसी डीलर ने अपने कस्टमर को, डीलर तो मैंने पीएनबी मान लिया बस इतनी सी बात है बेटा, आप क्या माना चाहते हैं, मतलब सदुती जी मैं आपको अनम्यूट कर दूं बेटे, रुको जरा मैं आपको अनम्यूट करता हूं, हम बात करते हैं तो उससे ज्यादा क्लियर क्लैरिटी होगी। जी सदुती जी गुड मॉर्निंग, बताएं क्या डाउट है आपका। नहीं, आप इसे क्या कहते हैं, मतलब यू सोल्ड हांगकांग डॉलर, चलो चलिए मैं आपके बारे में बात करता हूं, यू सोल्ड हांगकांग डॉलर, अब कवर कौन करेगा, नहीं, आपके, अच्छा मैं बताता हूं, चलिए मैं बोलता हूं आपको ये बात, मैं कहता हूं कि अनूप मोदी एक डीलर है, सतुती एक कस्टमर है, अनूप मोदी एक डीलर है और हमारी सतुती जी एक कस्टमर है, राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू सोल्ड हांगकांग डॉलर, अब यू कौन, मैं तो डीलर हूं, चलो मैं तो डीलर हूं, आप कस्टमर हैं, अब यू का मतलब आप अपने आप को मान रहे हैं, कस्टमर को मान रहे हैं क्या, नहीं, कोई भी हो सकता है, मैं तो कह रहा हूं कोई भी मान लो ना, आप किसको मानना चाहते हैं बताइए, अनूप मोदी ना, अनूप मोदी ने सतुती को बेचा, अब अनूप मोदी को कवर करना है अपने आप को, तो कवर तो करना ही है ना बेटा, तो अनूप मोदी परचेज ही करेगा ना अल्टीमेट, तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैंने मिर्च मसाला लगाने के लिए चीजें बना दी कि पीएनबी है इसको, मैं अनूप मोदी बोल सकता था, स्तुति बोल सकता था, कोई भी फॉरेक्स डीलर हो सकता है, क्योंकि फॉरेक्स डीलर तो आमतौर पे आम जिंदगी में तो बैंक भी होते हैं और अदर व्यक्ति भी होते हैं, ठीक है। हाँ, कोई भी डीलर यार दोस्त, कोई भी डीलर राघव भाई, कोई भी डीलर हो सकता है,
फर्क पड़ता है? मतलब यू सोल्ड हांगकांग डॉलर को, तो कोई डीलर की बात हो रही है ना कि हमने हांगकांग डॉलर बेचे, भाई हमने गुड्स बेचे होते तो मैं तो व्यापारी होता, लेकिन मैंने डॉलर बेचे तो फॉरेक्स डीलर हूँ ना यार। यू सोल्ड हांगकांग डॉलर, तो मैं कौन होता हूँ सेल करने वाला? तो मैं डीलर ही होगा ना कोई यार। यू सोल्ड गुड्स थोड़ी लिखा हुआ है, यू सोल्ड हांगकांग डॉलर, कोई हांगकांग डॉलर कौन बेचेगा सर? डीलर तो बेचेगा, फॉरेक्स डीलर। कोई आम जो कस्टमर है वो थोड़ी ना किसी को डॉलर बेचता खरीदता है, वो तो देता है किसी को, बेचता थोड़ी ना है। यू सोल्ड का मतलब कोई ना कोई डीलर तो होगा, ठीक है ना राघव? अच्छा आप आंसर दें, ठीक है दोस्त, ठीक, चलिए। बस केवल मुद्दा क्या है, इतना सा। तो साहब कनिका जी, अब जो क्लास है ना, मैं पूरी पता है क्यों लेना चाहता हूँ। देखो टोटल क्लासेस है 9, अगर कोई टॉपिक छूट गया तो वो छूट ही जाएगा फिर, क्योंकि क्लासेस तो 9 ही है, मान के चलना आप ये चीज बेटे। अच्छा चलिए, एक हांगकांग डॉलर में कितने रुपए हमें ये निकालना है। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं 1 रुपए में कितने हांगकांग डॉलर है वो निकालूंगा। निकाल लो भैया, मुझे क्या दिक्कत है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ, अब टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या इक्वेशन बनानी पड़ेगी। रुपीज अपॉन हांगकांग डॉलर मुझे निकालना है, तो मुझे रखना पड़ेगा रुपीज अपॉन डॉलर इंटू डॉलर अपॉन हांगकांग डॉलर। अब मुझे बताओ मैं बिड रेट निकालूं या आस्क, दोनों निकालूं फिर डिसाइड करूं या पहले डिसाइड कर लूं? मुझे बताओ यहाँ पे आस्क लगेगा बिड लगेगा? बड़ा बैंक पीएनबी को बेच रहा है या खरीद रहा है हांगकांग डॉलर? क्योंकि रेट बड़ा बैंक दे रहा है भैया, ये रेट जो दे रहा है ना, रेट रेट बड़ा बैंक कोट कर रहा है, छोटा बैंक थोड़ा ना कोट करेगा, रेट बड़ा बैंक कोट करेगा। जो रोट रेट है ना, रेट दोनों रेट बड़ा बैंक कोट कर रहा है। अब मुझे बताओ बड़ा बैंक हांगकांग डॉलर बेच रहा है या खरीद रहा है? सर बेच रहा है, क्योंकि तो पीएनबी को चाहिए ना अब तो हांगकांग डॉलर। यहाँ पे आस्क है दोस्त, तो यहाँ भी आस्क ही होगा कवर करने के लिए, ठीक है। तो बेच रहा है तो मैं आस्क रेट ले लूँ, तो रुपीज अपॉन डॉलर आस्क, रुपीज अपॉन डॉलर सीधा सीधा है तो आस्क आ जाएगा 55.20। डॉलर अपॉन हांगकॉन्ग ये उल्टा है, तो 1 अपॉन बिड ले लेंगे, 1 अपॉन बिड ले लेंगे। तो मुझे बताइए कितना, 7.9250। जल्दी से बताइए क्या आया, ये आ गया साहब 6.97 ले लेता हूँ, चलिए ठीक है। वो कहता है 4 डेसिमल तक चलो। अच्छा 4 डेसिमल तक चल रहा है, तो मैं 6.9653 ले लेता हूँ, 4 डेसिमल तक चलते हैं, चलो ठीक है। अब हमने कितने का बेचा था हांगकांग डॉलर? 7.15 का। बताओ सर, बैंक ने बेचा, पीएनबी ने बेचा कस्टमर को 7.15 का, पीछे से एक हांगकांग डॉलर खरीदा 6.96 का, बताओ पीएनबी ने कितना कमाया? पीएनबी, मैं तड़का लगा रहा हूं, पीएनबी यानी कि डीलर, डीलर यानी कि यू ने क्या किया, ने क्या किया, ने हांगकांग डॉलर खरीदा 6.9653 में और बेचा 7.1500 में, तो एक हांगकांग डॉलर पर, हांगकांग डॉलर पर पीएनबी को, कई बच्चे कहते हैं कि आंसर हांगकांग डॉलर में क्यों नहीं आया? भाई एक हांगकांग डॉलर अगर मैंने इतने रुपए में खरीदा और इतने रुपए में बेचा, तो फायदा तो रुपए में होगा ना भाई, ठीक है। तो एक हांगकांग पीएनबी को कितने रुपए बच गए भाई? 7.50 माइनस 6.9653, इतने रुपए बच गए, ठीक है। पीएनबी को इतने रुपए, इतने रुपए बच गए, है ना, रुपए बच गए। तो मुझे बताओ कितने की डील थी, 40 लाख डॉलर की थी। तो अब मैं अगर एग्जामिनेशन पॉइंट से लिखूं तो सीधा लिखूंगा डीलर प्रॉफिट 7.15 माइनस 6.9653 इंटू में 40 लाख, ये हमारे समझने के लिए है केवल।
ठीक है साहब। अच्छा, कुछ बच्चों का ये डाउट भी होता है, मैंने इसलिए लिख दिया ये चीज़, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर प्रॉफिट हांगकॉन्ग डॉलर में क्यों नहीं हुआ। सर आपने गोल्ड 50,000 का लिया और 60,000 का बेच दिया, तो फायदा गोल्ड में होगा या रुपए में होगा? फायदा तो रुपए में होगा ना दोस्त। एक हांगकॉन्ग डॉलर बैंक ने खरीदा 6.96 में और बेचा 7.15 में, तो फायदा तो रुपए में होगा ना भाई। ठीक है, तो ये हमारा फायदा हुआ। इज दैट क्लियर? बताइए कोई समस्या है? और इसके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं सर, कई बार। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे कैसे आए एग्जाम में। 47 होमवर्क एग्जाम का क्वेश्चन है, 48 होमवर्क एग्जाम का क्वेश्चन है, 49। चलिए 49 को मैं करवा दूंगा, आप 48 तक होमवर्क कर लीजिए बस। और उसमें भी कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, स्क्वायर अब वाला वो कल डिस्कस करेंगे हम। इज इट क्लियर? चलिए आज का शो समाप्त करते हैं सर। ठीक है जी, धन्यवाद।